औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़िहा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामईन किराम, हम सभी यहाँ पर जमा हुए हैं ताकि उन पांच कामों को जाने और सीखें कि जिन पांच कामों को परवरदिगार ने हम सब पर वाजिब किया है। फिर से मैं दोहरा दूँ कि उन पांच कामों को आप इस वक्त जानने जा रहे हैं कि जिन पांच कामों को हम सब पर वाजिब किया गया है। ये अलग बात है कि अगर किसी एक ने अंजाम दे दिया तो बकिया से साबित हो जाता है, लेकिन वाजिब सब पर है। यानी इसके माना है कि अगर इन अमाल को किसी ने भी अंजाम नहीं दिया तो ऐसा नहीं है कि कोई एक गुनाहगार होगा, बल्कि सब गुनाहगार होंगे। और इसीलिए इन अहकाम को जानना, समझना और इसकी बारीकियों को दर्ज करना, इसकी बारीकियों को महसूस करना हम सब के लिए ज़रूरी है। मैं एक जो हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अर्ज कर दूं कि हम ये सोचते हैं कि हमें मसलन गुस्ल देने के बारे में सीखने का क्या फ़ायदा। वहाँ के ऊपर गुस्ल देने वाले मस्जिद में मौजूद हैं, रहमताबाद या आरामबाग में, हमें सीखने की क्या ज़रूरत है। या मिसाल के तौर के ऊपर कफन कैसे दिया जाना है, हमें सीखने का क्या फ़ायदा, वहाँ पर कफन देने वाले मौजूद हैं। या एक और बात होती है कि हम नमाज मैयत को सीख कर क्या करेंगे। नमाज मैयत तो वहाँ के ऊपर मौलाना साहब मौजूद है, वो पढ़ाएंगे, उनकी बात को सुन के हम पढ़ते जाएंगे, या कम अज कम हमारे हाथ में किताब होगी, हम उस किताब को देखकर पढ़ते जाएंगे। या हनूत, अभी एक मरहला और आएगा हनूत का। हम ये सोचते हैं कि हनूत के बारे में सीखने की जरूरत क्या है, वहाँ के ऊपर लोग मौजूद हैं, ये सारे काम करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, वाजिब हम सब पर जो अल्लाह ने किया है उसके माना ही यही है कि कभी भी हमें भी ये काम करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जिस आदमी को ये काम करना था रहमताबाद और आरामबाग में, वो आज अवेलेबल नहीं है, बीमार हो गया, सफर पे चला गया, या कहीं हम खुद सफर पे हैं और रास्ते में ये सिचुएशन आ गई जो पहले बहुत होता था, अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे मौकों पर ये मुश्किल आन पड़ती है। मसलन आप ज़ियारत के लिए गए, आपके साथ में सफर में जाने वाला कोई मर्द मोमिन है कि जिसे अब आपको गुस्ल देना है, या जिसको आपको हनूत करना है, या जिसको कफन पहनाना है, या जिसकी नमाज मैयत पढ़ना है, ये सारे मराहिल में से कोई एक मरहला आपकी जिंदगी में आ सकता है, या उससे पहले का मरहला सबके साथ आता है। उससे पहले का मरहला कौन सा है? वो मौका कि जिस मौके पर इंसान के सामने कोई दुनिया से जा रहा है। ये तो सबके साथ आ सकता है, आ सकता नहीं, आता है। उस मौके पर भी कुछ चीजें हम पर वाजिब हैं। वो चीजें जो हम पर वाजिब हैं वो सब पर वाजिब हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि वो लोग के जो मिसाल के तौर के ऊपर बेटा है उस पर वाजिब है, बकिया पर वाजिब नहीं। नहीं, सब पर वाजिब है। लिहाजा हमें इन अहकाम को सीखना है और इन अहकाम के मुताबिक कोशिश करना है कि फ्यूचर में जब भी कभी जरूरत पड़े, इन चीज़ों को समझने के बाद इसके मुताबिक अमल करें। एक और मौका आता है जो मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ, मैं खुदा न खासा किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, कभी किसी शहर में आप गए और देखा आपने कि गुस्ल देने वाले ने गलत गुस्ल दिया, कफन पहनाने वाले ने गलत कफन पहनाया। मसलन एक आदमी, मसलन वहाँ पे मौलाना साहब नहीं थे, कोई एक आदमी ने नमाज मैयत पढ़ी, गलत पढ़ दिया। आपकी जिम्मेदारी है कि सही नमाज पढ़े, आपकी जिम्मेदारी है कि सही कफन दिया जाए, आपकी जिम्मेदारी है कि सही तौर पे उसको दफन किया जाए। मुतवज्जे, ये सब वाजिबात में आपके आता है। लिहाजा सीखने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि उस मरहूम को सही गुस्ल, सही हलूक, सही कफन, सही नमाज मैयत और सही दफन मिल जाएगा। लिहाजा हमें इन अहकाम को अच्छी तरह से समझना है। और इस मुख्तसर वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को जल्दी अपने वक्त के अंदर मुकम्मल कर ले जाऊं। जो प्रैक्टिकल है उसमें तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ताकि हम लोग जल्दी जल्दी इन बातों को सीख सकें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो चीज़ें जो सारे अफराद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फर्ज किया है, उनमें सबसे पहला मरहला तब आता है कि जिस मौके पर ये जिस साइज में है आपको पढ़ मिल रहा है, यस या नो, थोड़ा सा बिग करने की ज़रूरत है। पीछे आपने पढ़ पा अभी अभी आपको सबको एक स्कूटी दी जाएगी, इसके पीछे QR कोड लगा हुआ है। तो आप स्कैन करेंगे, आपको पूरी PDF फाइल भी मिल जाएगी, आपको Instagram, Facebook, Twitter सब कुछ मिल जाएगा। और आपका PDF फाइल है वो भी आपके फोन में भी देख सकते हैं अगर आपको ये फॉर एग्जाम्पल विजिबल नहीं है। तो ये अभी बांटा जाएगा, यू कैन यूज दिस QR कोड टू स्कैन इन योर फोन। एक दफा मंजूर के साथ आप देखिए जिस मौके के ऊपर एक इंसान दुनिया से रुखसत हो गया, अब हमारे ऊपर कुछ चीजें वाजिब हैं, कुछ चीजें मुस्ताहब हैं। मुतवज्जिह, वो चीजें हम पर वाजिब हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके होंठ को बंद कर दें, हम उसकी आंखों को बंद कर दें, उसका मुंह हम बंद कर दें और इसी तरह से उसके हाथ और उसके पैरों के ऊपर गांठ बांध दें, बंद कर दें और उसके चेहरे को कपड़े के जरिए से बांध दें। ये एक ऐसा काम है कि जिस काम को अब आप देखने जा रहे हैं, हमें ये काम, तवज्जो दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये काम किसी भी दुनिया से जाने वाले इंसान के साथ फौरन अंजाम देना है। इसका रीजन भी रवायतों में आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका रीजन ये है कि उसका फेस कभी कभी बढ़ने लगता है, बिगड़ने लगता है, खराब होने लगता है, तो इसका ये बदन खराब ना महसूस हो, तो खराब ना महसूस हो इसलिए हाँ। और इसको टाइट बांधना है, ये तवज्जो दीजिएगा, ये जो इंसान दुनिया से रुखसत हुआ है इसके इस बॉडी के इस हिस्से को टाइट बांध देना है ताकि इसके बदन का हिस्सा खराब ना हो। एक और चीज जो आप हजरात को यहाँ के ऊपर अंजाम देना है, ये इसका हाथ हो सकता है कि दुनिया से जाते वक्त उठा रह जाए, तकिए के ऊपर हाथ रखा तो उठा रह जाए, या पैर हो सकता है कि मुड़ा रह जाए। मुस्ताहब है कि इसके पैर को सीधा कर दिया जाए, इसके बाद हाथों को सीधा कर दिया जाए, ये दो अंगूठे इन दोनों को कपड़े से बांध दिया जाए और इसी तरह से अगर ये उंगलियां फैल रही हो तो उंगलियों को भी बांध दिया जाए। सबका रीजन है, रीजन ये है कि अगर ये घुटना उठा होगा कफन में मुश्किल होगी, अगर ये हाथ उठा होगा तो कफन पहनाने में मुश्किल आएगी, हाथ दफन में मुश्किल आएगी। दफन की जो पोजीशन है, जिस पोजीशन में हमको लिटाना है, अगर ये हाथ उठा रह जाएगा तो उस पोजीशन में लिटाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इन सारी चीजों के मद्देनजर हमें इसकी बॉडी को बिल्कुल जिस अंदाज में अभी लेटा हुआ है, अगर मिसाल के तौर के ऊपर इसका हाथ उठा है या हाथ पीछे की तरफ चला गया है, कभी कभी होता है कि डेथ के मौके पर हाथ सर के नीचे है, उसको फौरन लेके आना है, आगे की तरफ कर लेना है। बॉडी जैसे इस वक्त लेटी हुई है इसी पोजीशन में उसकी डेथ के बाद उसे करार दे देना है ताकि दफन और कफन या गुस्ल के मौके पर मुश्किल ना आए। इसी तरह से वो इंसान के जो अभी आपके सामने मौजूद है कि जिसकी जो इंसान इस दुनिया से रुखसत हुआ, अलबत्ता ये जो बात है, एक मिनट, ये जो बात है ये इंसान के लिए वाजिब है। इंसान के दुनिया से जाते वक्त क्या वाजिब है, ये कि बॉडी आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिटाई गई है, इसका जो डायरेक्शन है वो हमने अपनी सहूलत के लिए इस तरह से रखा है। लेकिन एक इंसान जो दुनिया से जा रहा है उसके लिए जरूरी है कि उसकी डेड बॉडी का पैर किबले की तरफ हो, यानी मैं जिस तरह से अभी खड़ा हुआ हूँ ये किबला रुख है, किबले की तरफ मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे सीधा लिटा दिया जाए क्या पोजीशन होगी, मेरा ये पैर दोनों किबले की तरफ होगा, तो ये दोनों पैर उसके किबले की तरफ होने चाहिए इस तरह से कि अगर इसको उठाकर बिठा दिया जाए तो इसका फेस किबले की तरफ हो जाए। तो अब इस वक्त के बाद से हम ये तसव्वुर करेंगे, हम ये तमाम करते हुए आगे बढ़ेंगे कि ये डेड बॉडी को हमने किबले की तरफ लिटा दिया। इस वक्त से लेकर यानी इंतकाल के मौके, इंतकाल से पहले ये काम करना वाजिब है। इख्तिज़ार के मौके पर इस तरह से कि पैर किबले की तरफ हो, अगर उठा के बिठा दिया जाए तो फेस किबले की तरफ हो जाए, ये वाजिब है। इस तरह से लिटाए रखना इंसान के लिए मुस्तहब है, एक मौके पर वाजिब था जब डेथ हुई, अब उसके बाद मुस्तहब है। मुस्तहब कब तक है? हत्ता इसको गुस्ल भी जब दिया जा रहा हो तब भी इसी पोजीशन में किबला रुख रखना मुस्ताहब है, सिर्फ एक मौके पर जब नमाज मैयत का मौका आएगा, नमाज होने जा रही है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वो इंशाल्लाह जब वहां पर पहुंचेंगे तो बताएंगे, लेकिन उसके अलावा शुरू से लेके एंडिंग तक इसी पोजीशन में यानी किबले की तरफ उसको हमें करार देना है कि अगर वो उठकर बैठ जाए तो उसका फेस किबले की तरफ हो। उसके बाद हमारे लिए जो ज़रूरी मुस्ताहब करार दिया गया वो ये है कि अगर इंसान रात में इंतकाल कर रहा है तो लाइटिंग करना, उस जगह के ऊपर शमा रोशन कर देना, उस जगह के ऊपर लाइट्स लगा देना। उसके दो रीज़न हैं, एक रीज़न ये है कि मुस्ताहब करार दिया है भाई से सवाब है, दूसरा रीज़न ये है कि उसके ज़रिए से दूसरों को पता चल जाए कि डेथ हो चुकी है, और इसी तरह से दूसरों को खबर देना कि इंतकाल कर चुका है एक मरतबों में, ये भी हमारे लिए मुस्ताहब करार दिया गया है। और जल्दी करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी मैयत को जल्दी दफन करना मुस्ताहब है, वेट करना रोकना हमारे वहाँ मुस्ताहब नहीं है, इन मुस्ताहब के खिलाफ है। लेकिन एक सिचुएशन है, बल्कि दो सिचुएशन बयान की गई। एक सिचुएशन कौन सी है? जिसमें डेथ कन्फर्म न हो, मुतवज्जी यानी कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मसलन उसकी दिल की धड़कन जो है रुक गई है, पता चल रहा है कि अभी शायद डेथ नहीं हुई है, या मसलन उसका दिमाग सो गया है, लग रहा है कि शायद अभी डेथ नहीं हुई है। बहुत से ऐसे अफराद हैं जो एक दिन के बाद दोबारा उनकी ज़िंदगी के सामने आई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 दिन के बाद, मरूम तबरसी अलैह रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत मशहूर तफसीर है, उस तफसीर को उन्होंने लिखा ही था कि कब्र में लेटे थे, नज़र मानी थी, कब्र में लिटा दिया गया तो जमाने में समझा गया कि मर गई है, कब्र में लिटा दिया गया, दफन कर दिया गया। उन्होंने नज़र की थी कि अगर मैं कब्र से बाहर निकल आया तो मैं तफसीर लिखूंगा। तो आप मुतवज्जे, यानी बसा औकात इंसान की डेथ नहीं होती और उसको दफना दिया जाता है, ये समझते हुए डेथ नहीं है। ऐसे मौके पर वेट करना मुस्ताहब है, जब तक यकीन ना हो जाए, कन्फर्म ना हो जाए कि ये डेथ हुई है। आज के दौर में तो आसान है, क्योंकि जाहिर है कि आज के दौर में डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, वो चेक करते हैं, लेकिन अगर इंसान को खुद डिसीजन लेना हो, खुद देख कर ये समझ रहा हो कि डेथ हुई है या नहीं हुई है, तो ऐसे मौके पे जब यकीन हो जाएगा तब दफन करना, उसमें जल्दी करना मुस्ताहब है। एक दूसरा मौका है कि जिसमें वेट करने के लिए कहा गया, अलबत्ता रवायतों में जिक्र नहीं आया है, परमिशन दी गई है, वो मौका है कि जिसमें कोई क्लोज रिलेटिव जल्दी पहुँच सकता हो, लेकिन कोई ऐसा क्लोज रिलेटिव है जो 3 दिन बाद पहुंचने वाला है तो फिर वेट नहीं करना है। क्लोज रिलेटिव हो जो बस 2 घंटे 4 घंटे में 6 घंटे में पहुंच सकता हो तो उसके लिए वेट करने की के लिए कहा गया है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस मौके के ऊपर दफन करना है आप इन्फॉर्म करें, लोगों को बताएं, खबर दें कि किस मौके पर कब आप दफन करने वाले हैं, इसकी इंफॉर्मेशन दूसरों को देना, यह हमारे वहाँ मुस्ताहब करार दिया गया है। आइए नेक्स्ट वीक यहाँ पे रुक कर एक बात अर्ज कर दूँ कि हत्ता 40 मुमिनीन का जिक्र आया है कि कम से कम 40 मुमिनीन को बुलाया जाए, उन्हें बताया जाए। दो रीज़न है उसके, एक रीज़न तो ये है कि अभी आपके सामने आएगा एक कपड़ा कि जिसके ऊपर की 40 मुमिनीन की साइन होगी, और दूसरा रीज़न ये है कि जिस मौके पर 40 मुमिनीन खड़े होकर नमाज मैयत पढ़ते हैं उस मौके पर परवरदिगार आलम उस बंदे की मगफिरत कर देता है। ये कपड़ा जो आपके सामने है ये शहादत नामा है, ये हमारे वहाँ बड़ी ताकीद है, बड़ा मुस्ताहब करार दिया गया है। इसके ऊपर 40 मुमिनीन, अलबत्ता मुमिनीन में मुत्तकीन की बात कही गई है, यानी सिर्फ मुमिन ना हो मुत्तकी भी हो, वो यहाँ के ऊपर साइन करे। पुराने ज़माने में होता था कि हत्ता ये जो शहादतनामा आता था इसके ऊपर 40 नजफ़ के उलमा की साइन होती है, आप दफन लेके आते थे हम लोग करबला और नजफ़ का, उसके ऊपर साइन उलमा की होती थी। आज के दौर में जाहिर है कि अब नहीं होती, लेकिन चूंकि कफन तैयार होता है कंपनी में, पहले ये हाथ से लिखा जाता था तो उस ज़माने में हाथ से बाकायदा साइन होती थी इसमें। आज के दौर में इंसान को 40 मुमिनीन की दस्तखत के साथ दफन किया जाए, इसके लिए ज़िंदगी में भी ये काम कर सकता है। अगर इंसान जिंदगी में भी चाहे तो ये काम कर सकता है कि इस पर 40 मुमिनीन की दस्तखत ले ले और अपने पास महफूज रखे। नेक्स्ट पेज, ये देखिए यहाँ के ऊपर इन्होंने इन्होंने देखिए तिबली की तरफ फायर करके लिटाया है, यानी डेथ से पहले इस्लाम से लिटाना वाजिब है और डेथ हो जाने के बाद से लेकर दफनाने तक इस पोजीशन में रखना मुस्ताहब है सिवाय नाज़ मय्यत के मौके। नेक्स्ट, ये 5 काम है जो हम पर वाजिब है और सब पर वाजिब है, यानी आप पर, मुझ पर, सब पर वाजिब है। वस्ल देना, हुरूद करना, कफन पहनाना, नमाज मय्यत पढ़ना और दफन करना, ये 5 काम सब पर वाजिब है। बस फर्क ये है कि इन कामों को अगर किसी एक ने अंजाम दे दिया तो बकिया से साबित हो जाएगा। अगर इन 5 में कोई एक काम भी रह गया जानबूझ कर, अगर इनमें से कोई काम बीच में रह गया तो सब गुनाहगार हैं, जितने वहां पर मौजूद हैं सब गुनाहगार होंगे। लिहाजा इन 5 कामों पर न सिर्फ ये कि मुतमईन हो जाना कि वस्ल दे दिया गया होगा, कफन पहना दिया गया होगा, नमाज मय्यत पढ़ ली गई होगी, दफना दिया गया होगा, ये काफी नहीं है। आपको यकीन होना चाहिए कि सही गुस्ल, सही कफन, सही हनूत और सही नमाज, सही दफन कर दिया गया है। शायद बीच में एक लफ्ज आ रहा है हनूत, ये नया लफ्ज आपके लिए होगा। हनूत कहते हैं किसी भी मरहूम को गुस्ल देने के बाद उसकी बॉडी के कुछ खास पॉइंट्स हैं, वहां पर काफूर का मलना, वो वहां पे आएगी बात तो वहां पे वाजे करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट, मरहूम को अब गुस्ल देने का मौका आ गया और इस मौके पर आपके सामने ये 3 अल्लाह के बंदे मौजूद हैं जिन्होंने हिम्मत की है और आपके सामने जो डेड बॉडी है उसको गुस्ल देने जा रही है। ये ज़हन में रखिएगा, जो भी इस डेड बॉडी को गुस्ल देगा उस पर खुद गुस्ल मय्यत वाजिब हो जाएगा, ये ज़हन में रहे। अलबत्ता ये डेड बॉडी नहीं है, लेकिन अगर किसी बदन के ठंडे हो जाने के बाद कोई टच करता है, बॉडी को टच करने की बात है, उसके कपड़ों के टच करने की बात नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जो डेड बॉडी को टच करते हैं, तो डेड बॉडी की अगर कपड़ों को टच किया है तो गुस्ल वाजिब नहीं है। डेड बॉडी के पार्ट, बदन, थोड़ा हाथ को छू लिया है, तो ऐसे मौके पर अगर वहां पे कपड़ा नहीं था तो इंसान पर गुस्ल मसे मय्यत वाजिब हो जाएगा। ये आपके लिए जो गुस्ल वाजिब है, तो 3 तरह के गुस्ल हैं कि जिन्हें आपको अंजाम देना है किसी भी मय्यत के साथ। सबसे पहला गुस्ल आबे सित्र के साथ है। सित्र कहते हैं उस पत्ती को कि जो बेर, उसको आप बोर कहते हैं, ये बोर का जो पेड़ होता है उसकी लीव्स है, उनको पानी में डालकर उसके साथ गुस्ल दिया जाना वाजिब है, ये पहला गुस्ल है। सेकंड गुस्ल जो आपको दिया जाना, अगर लीव्स आपको न मिल पाए तो आप उसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, क्योंकि बात है कि पाउडर कितनी महतार में होना चाहिए, लीव्स का तो मसला नहीं है लेकिन पाउडर में महतार मुय्यन होनी चाहिए। सेकंड काफूर, जो आप दूसरा गुस्ल देंगे उस दूसरे गुस्ल को काफूर के साथ, जो काफूर पाउडर की शक्ल में आता है उसको पानी में मिक्स करेंगे और उसके बाद उससे गुस्ल देंगे। तीसरा आप खालिस प्योर वाटर के साथ आपको गुस्ल देना है, ये 3 गुस्ल हैं। और यहाँ पर ये जो आप गुस्ल दे रही हो इसमें इस बात का हमें खास ख्याल रखना है, इन 2 मरहलों में आगे सिद्र और आगे काफूर में इस बात का खास ख्याल रखना है कि इतना ज्यादा ना मिक्स कर दे कि फिर ये पानी ना कहलाए। आप जानते हैं हमारे वहाँ वुज़ू करने के लिए आब मुतलक़ होना चाहिए, आपने वर्ड सुना होगा। आब मुज़ाफ़ एक्सेप्टेबल नहीं है। आब मुज़ाफ़ किसको कहते हैं? मसलन किसी पानी में नमक ज्यादा मिला दिया जाए तो ये साल्टी हो गया, तो ये पानी जो साल्टी है उस पानी को आप नहीं यूज कर सकते वुज़ू के लिए। उसी तरह से यहाँ भी है, अगर आपने सिद्र को यानी काफ यानी इस पत्ती को या काफूर को इतना ज्यादा मिक्स कर दिया कि अब ये पानी नहीं कहला रहा है, आब मुज़ाफ़ हो गया, तो फिर इस सूरत में कुछ नहीं होगा। इतनी लिमिटेड मकदार में यूज करना है कि पानी पानी ही रहे और इतनी मकदार में यूज करना है कि कहा जाए कि इसमें आबे सिद्र या आबे सिद्र है, यानी इसमें मसलन सिद्र को या काफूर को डाला गया है। समझिए, अब आइए मैं आपको लेके चलूं नेक्स्ट पेज है इसका हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि अब जिस मौके के ऊपर देखिए, पहले ये बात समझ ली जाए कि कौन गुस्ल दे सकता है। इन लोगों पर गुस्ल वाजिब हो, गुस्ल करना, गुस्ल देना वाजिब होता है। सबसे पहले वो इंसान जो शिया इस्ना शरीफ वाजिब है कि गुस्ल देने वाला शिया इस्ना शरीफ हो, आबिद हो, बालिग हो और वो गुस्ल के मसाइल को जानता हो और इसके अलावा वो महरम होना चाहिए या यूं कहना कहें कि उसका जेंडर सेम होना चाहिए मैयत के लिए, यानी अगर मैयत मर्द है तो गुस्ल देने वाला मर्द होना चाहिए, अगर लेडी है तो गुस्ल देने वाली लेडीज होनी चाहिए। सिवाय ये कि हस्बैंड वाइफ हो, तो हस्बैंड वाइफ में जेंडर अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद वाइफ को हस्बैंड गुस्ल दे सकता है, हस्बैंड को वाइफ गुस्ल दे सकती है। अब ये शर्तों के साथ वो इंसान आगे आएगा कि जो गुस्ल देगा। उसके बाद वाजिब है उस इंसान पर जो मैयत का वली है, मैयत का वली बेटे के लिए बाप होता है, हस्बैंड होता है वाइफ के लिए, और बाप के लिए बेटा होता है। ये ज़हन में रहे, बेटा उसका वली कौन बनेगा? उसका बाप। और बाप का वली कौन बनेगा? उसका वारिस बेटा। और इसी तरह से वाइफ के लिए उसका वली उसका हस्बैंड करार पाएगा। मतलब यहाँ बीच में अगर आपने महसूस किया हो, वाइफ को वली नहीं बनाया जाएगा, अलबत्ता जिम्मेदारियां हैं लेकिन वली नहीं बनाया, लेकिन वाइफ के लिए उसका हस्बैंड वली करार दिया जाएगा। तो वली पर वाजिब है, और अगर वली इजाजत देगा तो कोई दूसरा गुस्ल देगा। ये तवज्जो रहे, यानी दूसरों पर वाजिब तो है लेकिन कब वाजिब होगा? जब वली गुस्ल न दे रहा हो या फिर वली ने उसको परमिशन दे दी हो। ये पांचों चीजें, गुस्ल देना, हनूद करना, कफन पहनाना, नमाज पढ़ना, दफन करना, ये सारी चीजें वाजिब हैं वली के ऊपर। उसके बाद मकरूह है कि किसी भी मैयत को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, बल्कि मैयत का पूरी तरह से उसके साथ रहना, ख्याल करना जरूरी है। और इसी तरह से क़ुर्बतन इल्लाह की नियत के साथ गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल आप पर वाजिब है देना, और जब गुस्ल दे रहे हो तो नियत के साथ देना है, यानी यूं ही ले जाकर नहला नहीं देना है, बल्कि आप बाकायदा नियत के साथ उसे गुस्ल देंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हम सभी को तवज्जो देना है, इसलिए कभी भी ये चाहिए मौका हम सब की जिंदगी में आ सकता है। अगर हम में से कोई गुस्ल देते वक्त वहाँ पर मौजूद है तो गुस्ल के रूम से बाहर निकल के किसी भी तरह का डिस्कशन जो उस मैयत के किसी ऐब को जाहिर कर रहा हो या उसके किसी डिफेक्ट को जाहिर कर रहा हो, ये जायज़ नहीं है। यानी हमें इस बात की इजाज़त नहीं है कि मैयत की किसी कमजोरी को बाहर ले जाकर बयान करें। मसलन में एक एग्जाम्पल तो छोटा सा, मसलन खुदा न खासा किसी मैयत की बॉडी के ऊपर वाइट स्पॉट्स थे, नहीं दिखाई देते थे, जब गुस्ल का मौका आया तो दिखाई दिए, बाहर जाके इसको बयान करने की इजाजत नहीं है। मुतवज्जिह है, यानी इस डेड बॉडी के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आपने पाया तो बोलो कि जो गुस्ल रूम में मौजूद है उनको बाहर जाके उसको बयान करने की परमिशन नहीं है। आइए सबसे पहले हमें जो गुस्ल में शुरू करना है वो स्टार्ट करना है इस्तिंजा के जरिए से, यानी उसकी बॉडी में कुछ चीजें हो सकता है कि अंदर, देखिए बॉडी में अंदर तो नजासत है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी नजासतें हैं कि जिनके बारे में पॉसिबिलिटी है कि वो बाद में गुस्ल देने के बाद बाहर आ जाए। तो हमें गुस्ल देने से पहले उन नजासतों को साफ कर देना है, यानी मसलन मुंह के अंदर अगर कोई गंदगी होने का पॉसिबिलिटी है उसको साफ कर देना है, नाक के अंदर अगर कोई गंदगी रह गई है उसको नजासत है उसको साफ कर देना है, कान में अगर कोई नजासत है उसको साफ कर देना। इसी तरह से उसके पेट में कोई गंदगी अगर निकल सकती हो तो उसको भी निकाल देना है। आप मुतवज्जे हो गए, यानी उसके दो पार्ट्स को भी इस तरह से पाक कर देना है कि अंदर अगर कोई नजासत रुकी हो तो वो भी बाहर निकल जाए। मेरी बात क्लियर है? यानी इस तरह से उसकी डेड बॉडी को इस्तिंजा किया जाए कि अगर पीछे के हिस्से में या आगे के हिस्से में कोई नजासत रुकी हुई है वो भी उसकी डेड बॉडी से बाहर निकल जाए गुस्ल से पहले। ये इस्तिंजा कहलाता है। और अब यहाँ के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस पर हमें गौर करना है। ये पॉइंट वाइफ हस्बैंड के अलावा बकिया सबके लिए है। अगर इंसान किसी डेड बॉडी को गुस्ल दे रहा है तो उस डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को देखने की परमिशन नहीं है। यानी दो काम यहाँ पर करने हैं। एक काम ये करना है कि उस डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कपड़ा रखा होना चाहिए जैसे यहाँ के ऊपर रखा है। सेकंड थिंग ये है कि डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को टच भी नहीं करना है। तो आप कैसे अपने को बचाएंगे? कोई कपड़ा अपने हाथ पे बांध दिया जाए या ग्लव्स यूज किए जाएं, मुतवज्जे हुए, तो इन दो कामों को हमें करना पड़ेगा। एक ये कि नजर न पड़े इसलिए कपड़ा डाल दिया जाएगा, दूसरे ये कि डेड बॉडी के ये पार्ट्स को हमारा हाथ टच न करे, लिहाजा या कपड़ा बांध देंगे या फिर ग्लव्स को यूज करेंगे। सबसे पहले गुस्ल देने से पहले हमारे लिए बेहतर है, अलबत्ता ये मुस्ताहब नहीं है, बेहतर ये है कि हम इस डेड बॉडी को साफ करें। साफ कैसे करना है? देखिए अभी हमने पाक तो कर दिया, यानी वो चीजें जो डेड बॉडी से निकल सकती थी उनको हमने निकाल दिया, लेकिन अब साफ भी करना है। मसला हाथ को साफ करना है, पैर को साफ करना है, पीठ को साफ करना है, गले को साफ करना है, सर को साफ करना है, हत्ता बालों को साफ करना है। ये सारी चीजें वाजिब गुस्ल से पहले, इसके लिए आप कोई सोप भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप कोई भी ऐसी चीज, कोई लिक्विड भी यूज कर सकते हैं ताकि इसकी बॉडी को आप साफ कर सके। हो सकता है कि इसका सर ऑयली रहा हो, उस ऑयल को दूर करने के लिए आप कोई भी सोप यूज कर सकते हैं, कोई मिसाल के तौर पर कोई भी साबुन, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं जिसके जरिए से उसकी बॉडी को आप साफ कर सके ताकि गुस्ल के लिए रेडी किया जा सके और ये साफ हो जाए। अब आइए पहली चीज कि जिससे हमें गुस्ल देना था वो आबे सिंध है। अलबत्ता मैं यहाँ पर रुककर एक बात कह दूं कि अभी आपके खिदमत में गुस्ल देने वाले की कितनी शर्तें आई थी? आलिम होना चाहिए, शिया-ए-नशद होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, और उसके अलावा ये कि वो जिस जेंडर का मैयत उसी जेंडर वाला होना चाहिए। यहाँ ये तीन बंदे गुस्ल देने जा रहे हैं, इनके बारे में नहीं पूछेंगे कि शर्तें हैं या नहीं है। ये बालिग है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आकिल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही साथ शिया इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। मैं ताकीदन इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी गुस्ल देने वाले बाज इलाकों में ऐसी मजबूरी आ जाती है कि गुस्ल देने वाले गैर होते हैं, तो आप पर वाजिब हो जाएगा। ये ज़हन रखिए, फिर आप खामोश ना बैठ जाइए कि गुस्ल दे दिया गया, आप पर वाजिब हो जाएगा। लिहाजा उस सिचुएशन पर आपको गुस्ल देना हो, लिहाजा आज सीख लीजिए, आज आप सीख लीजिए। ये आबे सिंध जो आपके सामने है, ये आबे सिंध कैसे क्या करेंगे आप, ये देखिए ये लीव्स हैं, इन लीव्स को आप इसमें डालिए। इसमें क्वान्टिटी की कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि ये मिक्स होने के बावजूद पानी के रंग को चेंज नहीं करती है। इसमें आप कुछ मिकदार में ये आबे सिंध के तैयार करने के लिए इन लीव्स को अंदर रखिए और अब इसमें पानी डालिए। अगर पानी कम हो जाए तो इसमें दोबारा पानी डाल सकते हैं आप, ये जहन में रहेगी। अगर पानी की शॉर्टेज हो जाए तो इसमें आप दोबारा पानी डालेंगे, आपको लीव्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी लीव्स की जगह के ऊपर पाउडर यूज किया जाता है। ये पाउडर माइनर होना चाहिए, बहुत ज्यादा ना हो और ना ही बिल्कुल ऐसा ना हो कि जरा सा आपने डाल दिया। नमक ना डालिएगा, नमक जरा सा होता है, उतनी रफ्तार में नहीं, उससे बहुत ज्यादा डालना होगा। लेकिन ये ख्याल रहे, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, अगर इसमें आपने मसलन पाउडर डाला और पानी भर दिया, गुस्ल देने लगे ये पानी कम पड़ गया, तो अब सिर्फ पानी नहीं डालना है, इसमें क्या डालना है? पाउडर भी डालना है। पत्ती अगर आपने, लीव्स अगर आपने रखा है तो उनको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाउडर भी क्या करना पड़ेगा आपको, अगर पानी कम पड़ गया तो पानी डालना है, साथ में वो पाउडर को भी आपको डालना पड़ेगा। अब ये पहला मरहला है। अब यहाँ के ऊपर आप गुस्ल देने जा रहे हैं, यहाँ के ऊपर आपको गुस्ल देते वक्त जो तरीका आपका अपने गुस्ल का है वही तरीका आप यहाँ पर यूज करेंगे। नीयत कर ली है इन तीनों ने, नीयत ये होगी कि मैं गुस्ल देता हूँ, नियत लिखी है, मैं गुस्ल देता हूँ इस मैयत को वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, इस मैयत को गुस्ल देता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। इस नियत को करने के बाद जिस तरह से आप अपनी बॉडी को धोते थे पानी से, उसका यहाँ भी धोना है। सबसे पहले सर और गर्दन, यहाँ तक का पूरा पोर्शन, और इस काम को करने के लिए आपको बॉडी को थोड़ा सा घुमाना भी पड़ेगा, इसलिए कि नीचे पानी नहीं पहुंच पाएगा। इस बैक के पोर्शन में सर का पिछला हिस्सा, गर्दन का पिछला हिस्सा, इस सब जगहों तक पानी पहुंचाना है। ये आंख देखिए बंद होनी चाहिए थी, क्योंकि ये देखो इसमें मुश्किल होगी नहीं था, ये आंख बंद है। इस आंख को अगर खुली हुई है तो इसके ऊपर भी पानी डालना होगा, नाक का ये जाहिरी हिस्सा इसके ऊपर भी पानी होना चाहिए, लिप्स हैं उसके ऊपर भी पानी होना चाहिए, सारी जगहों पर पानी पहुंचे। एक आदमी पानी डालता जाए, दूसरा उस पानी को पहुंचाता जाए, ये तवज्जो रहे। और एक चीज और बीच में मैं रुक के अर्ज कर दूं कि ये ग्लव्स पहने हुए हैं, अगर ग्लव्स पहन के कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ग्लव्स नहीं पहना होता तो उस सूरत में बॉडी को टच करने पर उसने मसी मैयत वाजिब हो जाता। लिहाजा तवज्जो रहे, ग्लव्स पहन कर करना ज्यादा बेहतर है। ये पहला हिस्सा हो गया, ये सर के इस हिस्से को इन्होंने पूरी तरह से धो दिया। अब इसके बाद नीचे का हिस्सा गुस्ल देने के लिए शुरू करेंगे। आप नीचे का हिस्सा ये डेड बॉडी जिस तरह से पूरा हाफ कर देंगे, ये जो हाफ होगी पहले राइट साइड, पूरा हाफ राइट साइड आपको धोना है अच्छी तरह से। देखिए इसमें तवज्जो रहे, ये उंगली बंद है, इस उंगली के बीच में भी पानी आना चाहिए। ये नाप यहाँ के ऊपर अगर आप देखिए, ये उंगली बंद है, इसके बीच में भी पानी आना चाहिए। इस डेड बॉडी को पूरा आपको घुमाना पड़ेगा, लेकिन पूरे आराम के साथ। आप उसके दोस्त बनकर गुस्ल दीजिएगा, दुश्मन बनकर गुस्ल न दीजिएगा। पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे एहतराम के साथ, आराम से उसकी डेड बॉडी को आप वही उसकी डेड बॉडी को आप आराम से घुमाइएगा, और इस ख्याल के साथ कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर रखा हुआ कपड़ा हटने ना पाए, इस तरह से डेड बॉडी के ऊपर का पानी डालिएगा। और अब आपको क्या काम करना है कि ये जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां तक पानी आपको पहुंचाना है। इस तरह से पानी पहुंचाइएगा कि वो प्राइवेट पार्ट्स भी अच्छी तरह से पानी वहां तक पहुंच जाए। ये मैं खास तौर से कर रहा हूँ इसलिए कि ये पॉइंट रह जाता है नॉर्मली। ये जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां तक पानी पहुंचाना है आपको, हत्ता नीचे के हिस्से को भी धोना है, वहां पर भी पानी पहुंचिए। यहाँ पर ग्लव्स का पहनना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। अब ये हिस्सा जो आप धो रहे हैं, ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपको राइट साइड बिल्कुल बैलेंस करते हुए पूरी तरह से डिवाइड नहीं करना है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड का भी पोर्शन ले लीजिए, मुतवज्जिह, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका ये पानी पूरे राइट साइड को धो चुका है। लिहाजा इस काम के करने के लिए, जैसे ऊपर दिखा, ये जो आप गर्दन के ऊपर गुस्ल दे रहे थे वहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इस पार्ट को भी शामिल कर लिया जाए ताकि यकीन हो जाए। उसी तरह से ये जो आपने डिवाइड किया हाथ, थोड़ा सा लेफ्ट साइड का भी पोर्शन शामिल कर लीजिए ताकि यकीन पैदा हो जाए कि हमने इसके राइट साइड को धो दिया। अभी जैसे राइट साइड धोया, सेम यही सिचुएशन है लेफ्ट साइड की भी। लेफ्ट साइड को भी आपको इसी तरह से धोना है और इस बात का ख्याल करना है कि बदन के हर हिस्से तक पानी पहुंच जाए। यहाँ पे अगर आप गौर कीजिए, एक चीज बड़ी प्रैक्टिकल हो रही है। वो प्रैक्टिकल क्या है, कभी कभी डेड बॉडी खराब होने लगती है तो डेड बॉडी टूटने जैसे सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। क्या आप आगे का हिस्सा उठाना चाह रहे हैं तो पैर जो है निकला जा रहा है, कभी कभी ये पोजीशन भी होती है, तो बड़े एहतियात के साथ आपको डेड बॉडी को बस देना है कि बदन का कोई हिस्सा उसे जुदा ना होने पाए, टूटने ना पाए, खराब ना होने पाए। यहाँ पर भी इस बात का ख्याल करना है कि प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर आपका पानी पहुंच जाए, नीचे के हिस्से में भी, आगे के हिस्से में भी। ये ख्याल करते हुए अब आपको ये पूरी बॉडी को आपने किस पानी से धो दिया, आबे सिद्र के जरिए से। आप सिद्र यानी ये जिसको आप बोर कहते हैं, ये बेर के बेरी के पानी से आपने पूरी डेड बॉडी को धो दिया। यहां पर एक चीज गौर करने वाली है, अगर हमें इस बात का एहसास हो कि ये पानी जो हमने डाला है ये पानी अभी ज्यादा रह गया है और अभी नेक्स्ट जो गुस्ल देना शुरू करेंगे उस मौके पर डेड बॉडी पर ये पानी रहने वाला है, तो अब इसका एक ऑप्शन ये है कि आप इस पर दोबारा साफ पानी डाल दीजिए ताकि वो नीचे का हिस्सा के जहाँ के ऊपर मसलन ये सिद्र का पाउडर रह गया हो या मसलन पैर के पास सिद्र का पाउडर रह गया, वो सब चीजें साफ हो जाएं ताकि नेक्स्ट गुस्ल के मौके पर डेड बॉडी पूरी तरह से रेडी हो उस गुस्ल को एक्सेप्ट करने के लिए। आइए अगले पॉइंट की तरफ चले। अब हमको गुस्ल देना है आबे काफूर के साथ। काफूर वो पाउडर है कि जो आप हजार जानते हैं, काफूर नाम से भी वाकिफ है। इसका पाउडर आप उसी तरह से बाल्टी में, पैकेट में डालेंगे और इस बात का ख्याल करेंगे कि बहुत ज्यादा ना हो और बिल्कुल माइनर ना हो, इतनी बेकार में हो कि पानी में मिक्स हो जाए। और पानी का रंग ना चेंज होने पाए, यानी पानी अगर व्हाइट कलर का हो गया तो नहीं होना चाहिए, इतनी मिकदार में हो कि पानी अपने कलर के साथ बाकी रहे, इसमें रावी शुरू हो जाएगी, लेकिन कलर चेंज नहीं होना चाहिए। मेरी बात क्लियर है? अब ये पानी आपका रेडी है और इसमें भी इसी बात का ख्याल करना है कि अगर ये शॉर्टेज हो जाएगी और दोबारा आप इसमें पानी डालेंगे तो चूंकि ये पाउडर यूज किया लिहाजा दोबारा आपको पाउडर यहां पर यूज करना होगा। सेम तरीका है इस सेकंड गुस्ल का, लेकिन इस सेकंड गुस्ल की दोबारा नियत करनी है, जहन में रहे। हमें 3 गुस्ल देने हैं और 3 नियत के साथ देने हैं, एक नियत से 3 गुस्ल नहीं है, 3 गुस्ल 3 नियतों से। यानी अब आपको नियत करनी पड़ेगी कि मैं गुस्ल दे रहा हूं इस आब काफूर के जरिए से वाजिब कुर्बतन इल्लाह, ये नियत करते हुए अब आपको सेम वही तरीका है जो अभी आपने यूज किया था। जैसे आब सिद्र को आपने हुस्न दिया था, उसी तरह से पहले सर धोएंगे, गर्दन धोएंगे, थोड़ा सा सीने का हिस्सा शामिल करते हुए फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अलबत्ता इसमें डेड बॉडी को आपको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप राइट साइड गुस्ल में यूज करेंगे, उसके बाद ये पूरा राइट साइड है जिसमें आप बॉडी को घुमाएंगे और प्राइवेट पार्ट तक पानी पहुंचाना है। और इसी तरह से फिर अलबत्ता ये जहन में रहेगी ये हिस्सा कि जो बगल का हिस्सा कहलाता है वहां भी पानी पहुंचाना है, लिहाजा थोड़ा सा इस हाथ को जुदा बाहर की तरफ निकाल के वहां भी पानी निकालना। अलबत्ता ये काम अगर यहाँ भी लोग बराबर करेंगे तो ज्यादा ही कुछ बाहर आ जाएगा, लिहाजा यहाँ पे एहतियात करना है, ये हाथ को इधर नहीं निकालना, यहाँ पे हाथ में नीचे पानी पहुंचाना है, उंगलियों में पानी पहुंचाना है, वहां पे पैर की उंगलियों में पानी पहुंचाना है, पैर के तलवे में, सारी जगहों में। और फिर इसी तरह से ये राइट साइड हो गया, इसी तरह से लेफ्ट साइड। ये कंप्लीट होने के बाद अब फिर वही प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि शायद ये जो काफूर है थोड़ा बहुत कहीं रह गया हो, तो उस काफूर से भी इस डेड बॉडी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसके पर पानी डाल देंगे, उसमें नीचे का पोर्शन भी ऐसा हो कि जहां पर काफूर न रह जाए। ये दूसरा गुस्ल हो गया। अब इसके बाद तीसरा गुस्ल है। वो तीसरा गुस्ल कौन सा है? आबे खालिस के जरिए से गुस्ल। ये आबे खालिस से मुराद क्या है? प्योर वाटर। आबे खालिस यानी प्योर वाटर, 100% जो वाटर है उससे आपको गुस्ल। लेकिन पहले क्या काम करना? नियत करना है कि मैं आबे खालिस से गुस्ल देता हूँ, वाजिब कुर्बतन इल्लाह। ये करने के बाद अब ठीक वही तरीका, बकेट आपकी खाली है, सिर्फ उसमें पानी है, अपना सिद्र है, नकाफूर है, अब उसको आपको गुस्ल देना है उसी तरह से जैसे आपने अभी दो गुस्ल दिए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनके दरमियान। जी, ये तरीके का जो यहाँ आपके सामने है, इस तरह से आपने गुस्ल दे दिया। और उसके बाद अब ये कर लेने के बाद अब आपको इसके बदन को एक नॉर्मल कपड़े के जरिए से खुश्क करना है, सुखाना है, वाइट करना है। मुतवज्जी वो आपके लिए कोई भी कपड़ा हो सकता है, लेकिन पाक कपड़ा हो कि जिसके जरिए से आप इसके ऊपर, इससे एक बेहतर काम कर सकते हैं आपके, वो कोई रुई कॉटन को यूज कर सकते हैं कि जिसके जरिए भी आप इस डेड बॉडी को साफ कर दें, इसका पानी जो लग निकल बॉडी पर रह गया सब साफ कर दें कॉटन के जरिए, कपड़े, लेकिन पाक होना चाहिए जिसके जरिए से निकले। और एक ऐसी चीज होना चाहिए जिसके पार्ट्स रह न जाएं। मुतवज्जी मसलन अगर आपने टॉवेल यूज किया तो टॉवेल के पार्ट्स यहाँ पर रह न जाएं, कॉटन यूज किया तो कॉटन यहाँ पर रह न जाए, इस बात का ख्याल रखें। ये पूरी डेड बॉडी को अच्छी तरह से आपने वाइप कर दिया, पूरी अच्छी तरह से आपने इसको सुखा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट मरहला है। वो नेक्स्ट मरहला क्या है? नेक्स्ट मरहला ये है कि ये जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, इस प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर आपको रुई रखना है, कॉटन रखना है, और उसके बाद इस पोर्शन को आपको बांध देना है। मुतवज्जी ताकि ये जो कॉटन है वो पूरी तरह से वहीं पे रुकी रहे। कॉटन रखने का अपना रीजन है। रीजन ये है कि अगर बाई चांस किसी भी तरह से कोई भी चीज डेड बॉडी से बाहर निकल रही हो तो उस कॉटन के जरिए से अंदर जज्ब हो जाए। ये तरीक़ेकार इख्तियार करना है। ये हो गया इसका नेक्स्ट मरहला कि अब ये डेड बॉडी रेडी है कफन पहनाने और ख़ुरूज करने के लिए। अब ये जब कफन का मरहला आएगा नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर बीच में रुक कर एक मेन पॉइंट है जिस पर मैं आप सबकी तवज्जो दिला दूँ। हमारे बदन में अगर किसी मौके पर पट्टी बंधी होती है तो हम क्या करते हैं? वजू के बजाय तयम्मुम करते हैं। या एक और तरीका होता है वो जबीरा का होता है। जबीरा यानी उस पट्टी के ऊपर हमें वजू करते वक्त हाथ फेरना होता है या गुस्ल करते वक्त उस पट्टी पे हमें हाथ फेरना होता है। ये याद रखिएगा, किसी भी मैयत के लिए गुस्ल जबीरा पॉसिबल नहीं है। गुस्ल जबीरा पॉसिबल नहीं है, किसी भी मैयत को गुस्ल जबीरा नहीं दे सकते आप। अगर उसको गुस्ल देना पॉसिबल नहीं है, मसलन पानी की शॉर्टेज है, पानी नहीं है, या मिसाल के तौर के ऊपर उस डेड बॉडी के लिए खतरा है, मसलन अगर पानी डाला जाए तो डेड बॉडी खराब होने का डर है, या मिसाल के तौर के ऊपर बांध दिया गया है कि जिसके बांध देने की वजह से डेड बॉडी को उस देना पॉसिबल नहीं, कोई भी रीजन। जैसे अभी हमारे साथ एक मसला था हम लोग के दरमियान 2 साल तक कि हम उस नहीं दे सकते थे। अगर ऐसा कोई मौका है तो जबीरा नहीं करना है, क्या करना है, तयम्मुम कराना है। तयम्मुम का तरीका बहुत ईजी है, इसको सुन लीजिए। और ये हमारे बरादरान में अगर कोई हमारे साथ दे तो इसको गुस्ल करने, इसको तयम्मुम कराने का तरीका बता देते हैं। तयम्मुम अगर पॉसिबल है कि ये हाथ उठाकर दोनों इसको तयम्मुम कराया जाए तो इसके जरिए से तयम्मुम कराएंगे। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, हाथ कभी कभी होता है वक्त गुजर जाने के बाद ये हाथ सख्त हो जाता है, ये घूमता नहीं है यहाँ पर, तो चूंकि ये फोल्ड नहीं हो पाता है लिहाजा अगर आप तयम्मुम नहीं दे सकते या कोई और भी रीजन है, हाथ नहीं है या हाथ खराब हो गया है, तो आप क्या करना है, खुद जिसको गुस्ल देना था उसी शर्तों के साथ एक आदमी तयम्मुम कराएगा। वो तयम्मुम का तरीका क्या है कि मिट्टी रखी है, उस मिट्टी पर ये मर्द मोमिन नियत करने के बाद अपने हाथ को मारेगा और उस हाथ को मारने के बाद अब अपने को यहाँ पे बगल मिला के खड़ा किया उसने, ये अपने दोनों हाथ जिस तरह से अपने सर पे रखता था उस तरह से मैयत की पेशानी पे ये दोनों हाथ रखेगा और इसको नाक की तरफ लेकर जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप अपने बदन पर करते थे। बस थोड़ा सा फर्क क्या हुआ है कि जो आपके लिए राइट होता था वो इधर लेफ्ट हो गया, जो आपका लेफ्ट होता था वो राइट हो, बस वो फर्क हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है। एक काम और बाकी बचा, वो काम क्या बचा जो आप अपने हाथ पे करते थे कि आप अपने लेफ्ट हाथ को राइट हाथ पर और राइट को लेफ्ट के ऊपर करार देते थे तयम्मुम करते वक्त, ठीक यही काम यहाँ भी करना है। लेकिन इस काम पे गौर कीजिएगा, ये वो अपना लेफ्ट ये लेफ्ट आएगा इसके राइट पर, मैं गौर कर रहे हैं क्या हो रहा है, इनका लेफ्ट मैयत के राइट हैंड पर और इनका राइट हैंड मैयत के लेफ्ट हैंड पर होना चाहिए। बात क्लियर है? ये एक तयम्मुम होगा कि जो इस मैयत के लिए होगा, कंप्लीट हो गया, इस मैयत के लिए आपको देना है। लेकिन आयतुल्लाह अलउस्मा ने लिखा है कि एहतियात ये है कि 3 तयम्मुम करा दिए जाए। 3 गुस्ल थे, 3 नहीं हो पाए तो एक तो वाजिब है लेकिन बकिया 2 भी करा देना, ये एहतियात का तकाजा है। तो तयम्मुम आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर खुद मैयत के हाथों से करा सकते हैं तो तयम्मुम मैयत के हाथों से कराएंगे। अगर मैयत के हाथों से नहीं करा सकते तो जिन शर्तों के ऊपर किसी एक मोमिन के लिए गुस्ल देना सही था उन्हीं शर्तों के साथ वो मोमिन इसको तयम्मुम कराएगा नियत के साथ। अब आइए, ये कफन का मरहला है। पहले हुनूद कराएं, अलबत्ता हुनूद और कफन के दरमियान आप तो पूरी इजाजत है, आप चाहें तो कफन लपेटते हुए हुनूद करा दें या आप चाहें तो कफन पहनाने के पहले ही आप हुनूद करा दें, ये दोनों आपके लिए पॉसिबल है। मुतवज्जे हैं, ये जो हुनूद करा रहे हैं वो हुनूद क्या है, दफा मंजिल का सवाब दीजिए। क्या करना है और कैसे करना है? हुनूद कहती है इस काफूर के पाउडर को एक मैयत के बदन के उन हिस्सों पर लगाना जो हिस्से नमाज में सजदे की पोजीशन में जमीन पर होते हैं। तो सजदे की पोजीशन में पेशानी, दोनों हथेलियां, घुटना नी और दो अंगूठे, ये जगह है कि जिन पर आपको हनूत लगाने। देखिए हमारे बिरादर ने यह हनूत लगाया, तवज्जो पेशानी से शुरू कीजिए। सबसे ज्यादा ताकीद है कि पेशानी पर पहले हनूत लगाया जाए। और मुस्तहब है, ये तो वाजिब है, मुस्तहब है कि नाक का ये हिस्सा उस पर भी हनूत कर दिया जाए। ये दो हुआ, दोनों हाथ ये हुए चार और दो अंगूठे ये हुए छह। पांच वाजिब है और एक मुस्तहब है। मुस्ताहब कौन सा है? नाक पे। थोड़ा आप लोग की आवाज सुनाई दे इसलिए कि वो जो घरों में देखे वो भी सुने लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाना है तो मुस्ताहब कौन सा हिस्सा है? नाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक पॉइंट रोक कर मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में कि मुस्ताहब है कि इस काफूर को इसमें खाक शिफा को मिक्स किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे प्रैक्टिकल मैं आपको बता दूं क्या करना है आपको। ये काफूर जो आपने लिया इसका पाउडर ये दो पार्ट कर दीजिए। और तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, इसके दो पार्ट कर दीजिए। एक पार्ट में आप खाक शिफा मिलाइए और एक वैसे ही प्योर रखिए। जो आपने खाक शिफा मिलाया है उसको पेशानी पर, नाक पर और दो हाथ पे लगाइएगा। और जो आपने अभी खाक शिफा जिस काफूर में नहीं मिलाया है वो पैर और अंगूठे में लगाइएगा। फिर बात क्लियर हो गई। फिर से मैं वादे कर देता हूँ की नजदीक ये जो खाके शिफा काफूर में मिक्स करके लगाई जाए वो बदन के उन पार्ट्स में न लगाई जाए कि जहाँ पर तौहीन का सबब हो। लिहाजा घुटना और पैर को छोड़कर दो हथेली, पेशानी और नाक, इन जगहों पर जो काफूर लगाई जाए उसमें थोड़ी सी मकदार में खाके शिफा भी करार दी जाए ताकि ये खाके शिफा भी उसके लिए शफाअत का जरिया बन जाए। ये देखिए जान के ऊपर ये पांच जगह के जो मुस्ताहब हैं ये आपके सामने हैं और ये पांचों जगहों को यहाँ के ऊपर आपके लिए बयान कर दिया गया कि जिनमें से दो दो करके जो है वो साफ हो जाएंगी। आपका फोरहेड और नोज मुस्ताहब है, बताइए में। उसके अलावा फिर ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट नी, राइट नी और एंड ऑफ बोथ फीट, ये दो अंगूठे, इन 7 जगहों पर। और अगर उसमें आप इजाफा कर दें अपने नाक पर भी 8 जगहों पर आपको हनूत करना है। ये हनूत वाजिब है। अब इस हनूत के बाद या उससे पहले के दरमियान आप कफन पहनाएंगे। ये जो कफन पहनाएंगे, देखिए हमारे बिरादरान कफन पहनाने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं, देखिए कभी उठेगा। इन्होंने क्या किया, एक बड़ा कपड़ा लेना है, उस बड़े कपड़े को सबसे पहले टेबल के ऊपर बिछा देना है। उस बड़े कपड़े के आप जानते हैं कि 3 कपड़े हमें यूज करने हैं, 3 कपड़े हमें यूज करने हैं। एक वो कपड़ा कि जो सबसे बड़ा होना चाहिए, जो लास्ट में ऊपर से लपेटा जाएगा। सेकंड वो कि जो कुर्ते की शक्ल में गले से लेके पैर तक आएगा। तीसरा वो कपड़ा कि जो इसकी ये बीच का ये हिस्सा यहाँ से लेके घुटने तक आएगा। ये 3 कपड़े देना वाजिब है। इन्होंने पहले ही यहाँ पर बिछाया, सबसे पहले सबसे बड़ा कपड़ा, उसके बाद ये गले में डालना पड़ेगा वो हिस्सा के जो कुर्ता कहलाता है, और तीसरा वो पार्ट है कि जो नीचे लुंगी के तौर पर यूज किया जाएगा। ये इन्होंने यहाँ के ऊपर लाकर रखा, मुतवज्जे यहाँ पर इन्होंने अगर आप देखिए ये फोल्ड करके रखा है। उसका रीजन ये है कि इस मैयत से सर के अंदर से निकाल के इस कपड़े को नीचे की तरफ ले जाना है, लिहाजा ये फोल्ड करके यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर एक होल बनाया है इन्होंने कि जिस होल के जरिए से ये सर से इंटर करेंगे, गले तक लेके आएंगे और फिर उसको नीचे तक लेके जाएंगे। ये वाजिब मक़दार है। और फिर ये हिस्सा कि जो लुंग कहलाता है, जिसको आप अपनी जबान लुंगी कह सकते हैं, ये हिस्सा उसके बदन के निचले हिस्से यहाँ से लेके घुटने तक। अलबत्ता अगर इसको नीचे पैर तक कर देंगे बेहतर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट की तरफ मुतवज्जे रहिएगा। ये जो है, ये जो ऊपर का कपड़ा है, ये कपड़ा इसके लिए यहाँ तक लाना वाजिब है। ये तो ये हिस्सा क्या कहते हैं आप, ये हिस्सा कौन सा है? नहीं, नी के नीचे का, नी के नीचे का ये हिस्सा यहाँ तक लाना वाजिब है। लेकिन बेहतर है कि इसको फीट तक, पैर तक लेके आ जाए आप। मतवज्जे वाजिब वहीं तक है लेकिन लास्ट तक लेकर जाना आपके लिए बेहतर है। ये देखिए, ये गले में इन्होंने पहनाया और अब इसको नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। अलबत्ता इस नीचे की तरफ ले जाने से पहले क्या करना है, ये बीच के हिस्से को यानी लुंगी को पहना देना है। सबसे पहले लुंग को पहनाएंगे, उसके बाद कुर्ता पहनाएंगे, उसके बाद ये सबसे नीचे वाला कपड़ा उसको बांधा जाएगा। तो अभी क्या करना है, ये बीच का हिस्सा पहले बंद कर दीजिए। हाथ बांध कर हाँ वो तो ये देखिए, ये जो कपड़ा आप बांध रहे हैं ये दोनों हाथ बाहर निकाल दिया है। ये हिस्सा जो बॉडी का है बिल्कुल बीच का हिस्सा है, यहाँ से लेके घुटने तक, यहाँ तक गुस्ताव है, लेकिन यहाँ से लेके पैर तक कर देना ये वो तो वाजिब था। ये जो उन्होंने किया ये गुस्ताव हो गया, यहाँ तक रखते तो ये वाजिब था। ये अंदर का कपड़ा जो है ये ऊपर वाला वो रहेगा, वो चेंज करेंगे, वो चेंज करना है। जब वो दे चुकी है तो कपड़ा चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, इसलिए कि वहाँ पे कॉटन रखा है इन्होंने, वो गीला नहीं, गीला भी हो गया था, उसके बाद कॉटन रखा। कॉटन के बाद ये कपड़ा लपेट बांधा गया है, ये मुस्ताहब कपड़ा आ रहा है। ये मुस्ताहब कपड़ा जो इसकी बॉडी के ऊपर इस हिस्से में बांध देना है, कॉटन रखने के बाद इसको बदन के इस हिस्से में बांध देना है। ये इंसान के लिए मुस्ताहब है, ठीक है। ये कपड़ा बॉडी के ऊपर आपने रख दिया और अब इसके बाद फिर ये लुंग पहनाया जाएगा जो वाजिब शुरू हो जाएगा। ये तो मुस्ताहब की हद तक था, ये उसी वक्त चीज हो गया था कि इस वक्त गुस्ल देने के बाद ये कपड़ा गीला हुआ था, उसके बाद खुश करने के बाद आपने कॉटन रखा था, ये उसी वक्त पहना दिया गया था। डालने के लिए लगाने प्राइवेट पार्ट में काफू नहीं है, नहीं कुछ और क्या होगा, प्राइवेट पार्ट में काफू नहीं। ये कपड़ा पहना देने के बाद अब ये लुंग पहनाया जा रहा है। ये लुंग वाजिब मिकदार है, घुटने तक और नीचे तक लेकर जाना मुस्ताहब है। ये वाजिब मिकदार हो गया। यहाँ से ये मैं इसलिए इससे कह रहा था थोड़ा सा ऊपर, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जरूरी है। यहाँ से नीचे का पूरा हिस्सा इन्होंने सबसे पहले कपड़े से बांध दिया, ये वाजिब हो गया। अब उसके बाद ये दूसरा कपड़ा आ रहा है। ये दूसरा कपड़ा देखिए, गले से इन्होंने इसको फाड़ा है और फिर इस गले के जरिए से इसको पहनाया है। और ये देखिए, गले के जरिए से इन्होंने इसको फाड़ा जी, अभी उसमें देखिए आ रहा है। और इसके बाद ये नीचे तक लेकर गए। देखिए यहाँ के ऊपर ये कपड़ा सबसे पहले सबसे बड़ा कपड़ा रखा है, उसके बाद इन्होंने वो कपड़ा के जो कुर्ते की शक्ल में है वो रखा है, उसके बाद फिर ये कपड़ा है कि जिस कपड़े को फोल्ड करके उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बंद कर देना है। ये तीन आपके सामने कपड़े रखे गए हैं। ये कपड़े को फाड़ने का तरीका बताया गया। देखिए ये आप फोल्ड करके बिल्कुल बीच से ऐसे रखिए और उसके बाद यहाँ से इसको हाथ से आपको जुदा करना है, फाड़ना है और फिर उसके बाद इसको बाकी हिस्से को फोल्ड कर देना है। इसको हाथ से फाड़ के आपको जुदा करना है, ये कोशिश करनी है। मुकररिए ये मुस्ताहब है कि इसको लोहा ना लगाया जाए इस कपड़े को। अगर मजबूरी आन पड़े तो एक अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो इसमें लोहा न लगाना मुस्ताहब है। ये कपड़ा पहना दिया गया। ये डेड बॉडी का दूसरा कपड़ा जो वाजिब था वो उसको आपने पहना दिया। अब कौन सा कपड़ा बचा, लास्ट। ये जो लास्ट है उस लास्ट से पहले अब आपको ये काफूर लगाना जो आपने हुनूस किया था वो अभी आपने कफन पहनाने से पहले भी किया था। अगर आप चाहें तो कफन पहनाने से पहले हुनूस ना करें, अब हुनूस करें। तो ये कुर्ता जो ऊपर पहनाया है उसको हटाकर आप पेशानी पर, नाक पर, दोनों हथेलियों पर, दोनों घुटनी पर और उसके बाद पैर की उंगली पर, यह हुनूस हो गया। ये कर देने के बाद अब ये लास्ट कपड़ा बचा है। हाँ, इससे पहले हमारे लिए जो मुस्ताहब है ये दो लकड़ियां हैं। जिन दो लकड़ियों को हमें इस डेड बॉडी के साथ रखना है। इन हाथों और सीने के बीच की जो ये पोर्शन है, यहाँ के ऊपर ये बगल का हिस्सा यहाँ के ऊपर रख देना है। अलबत्ता इसकी हिकमत जो बयान की गई है वो ये है कि जिस मौके पर डेड बॉडी को उठ के बैठना हो ये इसका सहारा ले। तो ये डेड बॉडी के सहारे के लिए अलबत्ता यहाँ पर अर्ज कर दूं कि ये देख रहे हैं आप, ये वी की शक्ल में बनाया है। वी की शक्ल में भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। बेहतर ये है कि इस पोजिशन में और उसके ऊपर इन्होंने कॉटन लगाकर इसको यहाँ पर रख दिया है। ये सहारे के लिए होता है। एक रीजन ये भी है, दूसरा रीजन ये है कि हाथ इसकी वजह से सपोर्ट मिलता है इसको, यहाँ के ऊपर जब रहेगा तो सपोर्ट रहेगा। अभी जब जिस मौके के ऊपर इसको लिटाया जाएगा कब्र में तो इसको सीधा नहीं लिटाना है, तो ये सपोर्ट जरूरी होता है, वरना ये हाथ फिर जुदा होने का खतरा होता है। ये कंप्लीट होने के बाद अब ये कुछ चीजें हैं जो तो मुस्तहब करार दी गई हैं इस मैयत के लिए, कि जिनमें एक तो इस इंसान के लिए अमामा है, अगर लेडी है तो उसके लिए स्कार्फ है, और अगर मर्द है तो उसके लिए अमामा है। ये अमामा इसके सर के ऊपर आपको बांध देना है, किसी भी तरह से आप बांधेंगे, उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है, लेकिन ये कि इसके सर के ऊपर इस तरह से रोल करते हुए फोल्ड करते हुए आपको इसके सर के ऊपर बांध देना है, ताकि ये अमामे के तौर पे। लेकिन ये जब बांध दिएगा, एक मिनट मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये जब अमामा आप बांध रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये एक सिरा एक हाथ में रोक लीजिएगा, ये दूसरे सिरे को आप अलबत्ता बाद में आप खोल लीजिएगा, ये इसके ऊपर लपेटते जाइएगा। ये जब लपेटते जा रहे हैं तो ये जो लास्ट बचेगा, ये देखिए, इसको राइट साइड लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में रख देना है, और जो राइट साइड वाला है उसको लेफ्ट साइड में करा देना। ये क्लियर है आप लोगों के लिए? ये अमामा है, जिसमें जो लेफ्ट साइड से आ रहा है उसको राइट साइड में, और जो राइट साइड से आ रहा है उसको लेफ्ट साइड में करा देना। ये है मर्द के लिए। लेडीज के लिए यहाँ पर एक मकना है, एक सर का स्कार्फ है कि जिसको उन्हें पहना देना, शायद यहाँ पे नहीं है देना, बहरहाल वो मकना और स्कार्फ इस तरह से होता है कि जिसको सर के ऊपर डाल दिया जाता है, और ये यहाँ ठुड्डी तक आने के बाद ही नीचे चला जाता है। तो ये ठुड्डी के नीचे का पूरा हिस्सा और ये सर का ये पूरा हिस्सा, जिस तरह से एक नॉर्मल लेडी स्कार्फ पहनती है उसी तरह से ये भी होता है, बस वो रेडी होता है। नॉर्मल लेडीज को स्कार्फ पहनने के लिए मेहनत करना पड़ती है, इसको रेडी होता है, इसको पहना देता है। ये जेंट्स के लिए तरीका हो गया अमामे का, वो लेडीज के लिए था कि जिसको बताया गया। अब ये कुछ चीज़ें और हैं जो मुस्ताहब हैं, कि जिनमें एक शहादतनामा है कि जो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सीने पर रखना है। शहादतनामे में ये बात लिखी जाती है, ना ये शहादतनामा है, ये शहादतनामा है कि जिसमें सारी गवाहियां दी जाती हैं, इसमें सारी गवाहियां दी जाती हैं। इसमें लिखा है कि ये मैयत गवाही दे रही है कि वह अल्लाह को मानती है, अल्लाह को एक मानती है, अल्लाह के रसूल को मानती है, और फिर उनके अलावा तमाम आइम्मा अथार के इसमें नाम लिखे होते हैं। ये इस बात की गवाही होती है कि ये मरने वाला अल्लाह की राह में जा रहा है, तो अहले बैत अथार के इस्ना अशरी अकीदे के साथ दुनिया से जा रहा है। अब इसको हाथ में ले लीजिए, इस पर 40 मुमिनीन के जो मुत्तकी हों उनकी साइन लेनी चाहिए। यानी मेरे कहने के मतलब लफ्ज़ मुतवज्जे हो रहे हैं आप, कि एक नॉर्मल नहीं बल्कि वो इंसान के जो नमाजी है, परहेजगार है और तकवा ख्याल करता है, उसकी साइन लेकर 40 इसको सीने पर रख देना है, ठीक। अभी इसके अलावा कुछ चीज़ें और मुस्ताहब हैं कि जो इस मैयत के साथ रखनी है। दुआ अदीला है कि जिसको रखना बड़ा, सूरह मुल्क कुरान मजीद की बात के बाद सूरह है, सूरह मुल्क है, सूरह तकासुर है, सूरह उसके अलावा दुआ जोशन कबीर है, और ये जोशन सबीर है। इन सारी दुआओं को भी इसके सीने पे रखना। फिर मैं ताकीद कर रहा हूँ, इन दुआओं को जिस वक्त रखा जाए वो पेट से नीचे के हिस्से की तरफ नहीं जाना चाहिए। लास्ट जो पॉइंट जहां तक लेके आना है, या उससे पहले ऊपर भी सीना और पेट, बस उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो तो आप इसको मोड़ दीजिए, ठीक है, उसके सीने और पेट पर ही रख सकते हैं। इसी तरह से यह दुआएं अमीरा है, दुआएं नूर कबीर है, और ज़ियारत आशूरा, इन सब को भी इसके सीने पे करार देना है। ये सारी मुस्ताहब चीज़ें हैं जो नॉर्मली कफन में होती हैं। बस इसमें एक ख्याल रखिएगा, ये जो शहादतनामा है इसको निकाल कर उस पर साइन लेना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है, इसको जरूर कराना है। सूरह नूर है, इसे भी रखना है। अलबत्ता अगर ये पेपर के बजाय किसी कपड़े पे लिखा हो तो ज्यादा बेहतर, लेकिन अगर नहीं है तो कपड़े कागज के जरिए लिखा हुआ आप रख सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई लेडी है, ये दो अकीक हैं जिन अकीक के ऊपर भी तौहीद की गवाही लिखी है और एक अकीक के ऊपर आइम्मा अतार के नाम लिखे, इसकी बड़ी ताकीद है। नॉर्मली ये मुश्किल से मिलता है, ये तैयार किया हुआ मार्केट में मिल जाता है, लेकिन इसको पहले से लेडी रखना अपने पास मुस्ताहब है। हमारे पास उलमा बाकायदा ताकीद करते थे अपने बच्चों से कि मैंने तैयार करके रखा है, इसको तुम मेरे दफन के मौके पर ये मेरे मुंह के अंदर करार देना, ये एक अकीद। और इसी तरह से दूसरा अकीद कि जिसके ऊपर भी ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ हो और बकिया दुआएं जो वारिद हुई हैं वो लिखी हों, इन दोनों अकीद को खोल कर मुँह के अंदर रखना है और कोशिश ये करनी है कि मुंह खुला ना रहे, तवज्जो रहे, मुंह को दोबारा बंद कर देना है। ये मुंह के अंदर रखने की बड़ी ताकीद वाली हुई है। इसके अलावा कुछ और जेवरात और तबर्रुकात हैं कि जिनमें एक ये हिस्सा है कि जो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी खातून के लिए करार दिया गया है कि उसको ये पहनाया जाएगा। और इसी तरह से वो ये अंगूठी है कि जिस अंगूठी को पहनाया जाए, लेकिन अगर खाके शिफा की है तो फिर कोशिश की जाए कि उंगली ऐसी जगह पर न हो कि जो नजासत का खतरा हो। अगर ऐसा कुछ हो तो इसको सीने पर रख दिया जाएगा, तवज्जो है। यानी अगर हाथ लंबा है या हाथ बिल्कुल उसके बदन के निचले हिस्से की तरफ है तो पहनाने के बजाय उसको खाके शिफा किया जाए तो सीने पर रख दिया जाएगा। इसी तरह से दो कान की बालियाँ हैं खवातीन के लिए तस्बीहात में, ये कान की बालियाँ हैं जो खवातीन के लिए हैं। हाँ, ये कान की बालियां हैं कि जो कान के पास रख दिया जाए, ये कान में रख दिया जाए, ये कान के पास, ये कान के अंदर करीब, कान के अंदर रख दिया जाएगा। और ये गले के लिए आवेजा किया करने के लिए है कि ये गले में अगर आवेजा कर सकते हैं तो आवेजा कर देंगे, लटका देंगे, अगर नहीं लटका सकते तो सीने के ऊपर इसको गले के पास रख दिया जाएगा। कुरान मजीद है और सीधा है, कुरान मजीद को भी अगर आप रख सकते हैं तो सीने पर, लेकिन इस तरह से कि मैयत के ऊपर इसको फिर बांधना होगा आपको, तवज्जो रहे। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ले जाने लाने या कब्र में उतारने में ये उतर के नीचे के हिस्से में चला जाए, लिहाजा इसको इस हिस्से में किसी कपड़े से आपको बांधना होगा। ये तवज्जो रखिएगा कि कुरान मजीद को ऐसे ही यहाँ पर नहीं रखिएगा। अगर कुरान मजीद पूरा ना हो, उसका कोई सूरा, उसका कोई पारा, कोई एक हिस्सा भी आप रखेंगे तो काफ़ी है। ये खाके शिफा की सिद्दगा भी रखना मुस्ताहब है कि जो अलामत बने कि इंसान नमाजी था, और अगर खुद नमाज जिस सिद्दगा पे पढ़ता था वो भी रखा जाए तो वो भी काफ़ी है। इंसान जिस पर नमाज पढ़ता था अगर वो खाके शिफा की है तो उसको भी रखा जा सकता है। पेशानी के ऊपर रखिए, लेकिन बांधना होगा, या फिर अगर पेशानी पे नहीं रख सकते तो इसको सीने पे रखिएगा जहाँ पे कुरान मजीद रखा है, ताकि वो भी बांध दिया जाए। पेशानी पे रखिएगा तो बांध दिए गए, तवज्जो रहे, ताकि वो गिरने या अपनी जगह से हटने ना पाए। ये पूरा रेडी हो चुका है आखिरी कफन के पार्ट को बांधने के लिए। अब ये आखिरी हिस्सा जो बांधा जाने वाला है उस मौके पर आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ के ऊपर इन्होंने लिख दिया है खमीस, कुर्ता या शर्ट जो ऊपर का हिस्सा है, और इसी तरह से ये नीचे का हिस्सा कि जो लुंग कहलाता है या वेस्ट कहलाता है, इसको यूज़ करना है। ये तीन कपड़े यूज़ करने हैं हमें इस तरह से, सबसे नीचे सबसे बड़ा कपड़ा, उसके ऊपर वो कपड़ा के जो कुर्ता बनेगा, उसके बाद वो कपड़ा के जो इंसान के प्राइवेट पार्ट्स को ढांकते हुए घुटने तक आएगा। यहाँ के ऊपर इन्होंने इसकी साइज भी लिखी है जो खुद अब्दुल सिसानी ने भी लिखा है कि किस साइज का होना चाहिए, लेकिन ये साइज वाजिब नहीं है। अगर कोई एक बच्चा है तो साइज चेंज हो जाएगी, अगर कुछ ज्यादा हेल्दी या कोई लंबी हाइट का इंसान है तो साइज चेंज हो जाएगी, तवज्जो रहे। तो ये साइज सजेशन के तौर पर है, ऐसा नहीं है कि ये साइज वाजिब है। मेरी बात क्लियर है? यानी एक बच्चा है तो जरूरी कि ये साइज रखी जाए उसके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर नजीस है कफन तो उसका वक्त पहनाना जायज नहीं है। इसी तरह से अगर प्योर सिल्क से बना है, अगर प्योर सिल्क से बना हुआ कफन है तो मर्द और औरत दोनों को नहीं पहनाना है, सिर्फ मर्दों की बात नहीं है। या इसी तरह से गोल्ड, सोने के तारों से बना हुआ अगर आपके पास कफन है तो उसको भी नहीं पहनाना है। सारी चीजें जो इंसान की कीमती है दुनिया में छोड़ के जाना है, लेके नहीं जाना है। इसी तरह से अगर कोई अलबत्ता मजबूरी आन पड़े सहरा में किसी जंगल में एक इंसान है जिसके पास सब कुछ बचा ही नहीं है, यही एक कपड़ा बचा है तो मजबूरी में दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी नजिस नहीं देना है। लेकिन अगर मसलन सिल्की कपड़ा हो जाए या गोल्ड से के तार का हो तो मजबूरी में दिया जा सकता है। उसके अलावा अलबत्ता अगर ये तवज्जो रहे कि आपके पास सहरा में अगर नजिस है कपड़ा तो फिर उस सूरत में आपको पत्तियों से बदन को छुपाना है इसका। इसी तरह से अगर इंसान के लिए ये मुस्तहब है कि अपनी जिंदगी में जब सेहतमंद है उस मौके के ऊपर अपने कफन को लीव्स ऑफ सिद्र की पत्तियां जितनी भी हैं वो अपने पास रखना, मतलब चेंज करना करते रहना पड़ेगा, जैसे सूख जाएगी बेकार हो जाएगी। और गंफूर को भी अपने लिए इंसान रेडी रखे, इसका अपने ऊपर एक असर होता है। जब इंसान इस पर नजर पड़ती है तो फिर उसको बहुत याद आती है, फिर दुनिया की बुराइयों को छोड़कर खुद बहुत अच्छाइयों की तरफ आ जाता है। इसी तरह से इंसान के लिए मुस्तहब है कि दो लकड़ियां के जो अभी आपने देखा, इन दो लकड़ियों को उसके हाथों के पास बाजू के पास रखा जाए और ये उसके साथ दफन किया जाए। अब ये लास्ट कपड़ा बचा जिसको हमें कंप्लीट तौर के ऊपर इसको बांध देना है। बांधना कैसे है आइए देख लेते हैं। ये कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि कुछ हिस्सा नीचे निकल जाए, कुछ हिस्सा इधर निकल आए। थोड़ा सा इन लोगों के रखने में वो हो गया, कमी रह गई, नतीजे में कपड़ा उधर ज्यादा बच गया इधर कम हो गया। होना इस तरह से रखा जाए कपड़ा कि इधर भी ज्यादा मकदार में बचे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसको यहाँ पर इनको इस तरह से इसके ऊपर गांठ बांध देंगे किसी उसके जरिए से, किसी कपड़े के जरिए से, एक कपड़े के जरिए से इसको ये बीच में बांध देना है। इसी तरह से एक कपड़े के जरिए से नीचे बांध देना है, उसी एक कपड़े के जरिए से, ठीक है। एक बीच में अगर नहीं बचा नहीं, ये बांध दिया है आपने। अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये कपड़ा एक हमारे पास जो बचा है वो यहाँ बीच पे बांधा जाएगा, यहाँ बीच पे रखेंगे। हाँ ये छोटा पड़ रहा है, इसको आप सपोज करें कि आपने इसको नीचे से ला के पूरा ऊपर यहाँ पे ला के गांठ बांध दिया। ये इसलिए होता है ताकि ये पूरा हिस्सा उसका बैलेंस रहे और हिलने डुलने की वजह से पैर या हाथ या कोई भी हिस्सा उसके बदन से दूर ना होने पाए। ये पूरी तरह से डेड बॉडी अब रेडी है ताकि अब इसको ले जाया जाए, इसलिए नमाज मैयत के लिए। इस दरमियान अगर आपने गौर किया हो डेड बॉडी का, जो हमने सपोज किया था कि किबला इस तरफ है, हमने डेड बॉडी को इस तरह से रखा कि वो किबला रुख ही है सारे हालतों में। यानी अगर वो नॉर्मल लीटा है या मिसाल के तौर पर गुस्ल के टेबल में बिठाया गया है या कफन के मौके पे, सारी पोजीशंस में हमारे लिए मुस्तहब है कि क़िबला रुख उसका पैर होना चाहिए। अब उसके बाद नमाज मैयत है। ये नमाज वो है कि जिस नमाज को परवरदिगार आलम ने सब पर वाजिब किया है पढ़ने के तौर पर, और मरने वालों में जो 6 साल से बड़ी उम्र का बच्चा है उससे लेकर आखिरी उम्र तक वाले सारे अफराद पर नमाज मैयत का पढ़ना आपके लिए वाजिब है। बच्चा हो या बच्ची हो, मर्द हो या औरत हो, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, सब पर वाजिब है। नमाज मैयत को जिस मौके पर पढ़ने जा रहे हैं उस मौके पर वाजिब नहीं है कि इंसान गुस्ल या तयम्मुम करे। अलबत्ता ये इंसान के लिए मुमकिन है, बेहतर है, मुस्तहब है कि वो तहारत के साथ नमाज मैयत पढ़े। इसी तरह से लेडीज भी अगर तहारत की हालत में है तो बेहतर है, लेकिन अगर नजासत में भी है तो नमाज मैयत पढ़ सकती है। ये तवज्जो रहे, यही एक मौका है कि जिस मौके पर नजासत की हालत में भी कोई खातून नमाज पढ़ सकती है, वो यही मौका है। बहुत सारे औकात सवाल पूछा जाता है ना, नजासत में लेडी कब नमाज पढ़ सकती है, यही मौका है, नमाज मैयत पढ़ सकती है। और नमाज मैयत के लिए जो भी मुसलमान दुनिया से जा रहा है उसकी नमाज मैयत आपको पढ़ना है, और वो बच्चा के जो 6 साल से बड़ी उम्र का हो उस बच्चे की नमाज मैयत का पढ़ना भी आपके लिए वाजिब है। आप नमाज मैयत को नीयत के साथ क़ुरबतन लिल्लाह पढ़ेंगे, यानी वाजिब की नीयत के साथ। और ये जो नमाज मैयत के लिए पेश नमाज के खड़े होने का तरीका है, ये खास पोजीशन है। हम आप नॉर्मली इसको नहीं फील करते, लेकिन जो नमाज पढ़ाते हैं वो जानते हैं तरीका क्या है? अगर मेल की किसी मर्द की नमाज मैयत है तो बिल्कुल उसकी बॉडी के बीच के हिस्से में पेश नमाज को खड़े होकर नमाज पढ़ानी है, और अगर कोई फीमेल है तो उसके चेस्ट के हिस्से में सीधे खड़े होकर पेश नमाज को नमाज पढ़ानी है। यानी गोया अगर पीछे खड़े हुए, बिल्कुल पीछे जो इंसान खड़ा है पेश नमाज के, वो देखना चाहे तो उसको इसके बदन का मिडिल पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इस लेडी का सीने का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, इस तरह से पेश नमाज को नमाज मैयत खड़े होकर पढ़ानी है। अब ये नमाज मैयत जो पढ़ाई जा रही है उसमें नियत करना वाजिब है कि मैं इस मैयत की नमाज पढ़ रहा हूँ, वाजिब कुर्बतन इल्लाह, ये वाजिब की नियत जरूरी है। जितने भी नमाज मैयत पढ़ने वाले हैं वो सब वाजिब की नियत ही से नमाज पढ़ेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पे ये मसला पहले मैंने वाज़े कर दिया, 6 साल का बच्चा, अलबत्ता 6 साल से पहले उम्र वालों पर कफन वाजिब है और गुस्ल वाजिब है। एक बच्चा जो दुनिया में आ गया उस बच्चे का गुस्ल वाजिब है, कफन भी वाजिब है, बुरूद भी वाजिब है, कफन भी वाजिब है, नमाज नहीं है। नमाज मैयत कब वाजिब होगी? जब बच्चा 6 साल से बड़ी उम्र का हो जाएगा, वरना उससे छोटी उम्र वालों के लिए नमाज मैयत वाजिब नहीं करार दी गई है। हत्ता वो बच्चा के जो माँ के पेट से दुनिया में आ गया वक्त से पहले और उसकी बॉडी कंप्लीट हो गई है, तो उसका भी गुस्ल भी है, उनूत भी है, कफन भी है और दफन भी है। नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाइए। अगर वहां पर कोई एक ऐसा शख्स है कि जो नमाज मैयत को खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, तो फिर वो उस सूरत में नमाज मैयत को बैठकर पढ़ेगा कि जब कोई नमाज मैयत को वहां पे नहीं पढ़ रहा है। लेकिन अगर नमाज मैयत को बाकी लोग खड़े होकर पढ़ रहे हैं तो इसको फिर अलग खड़े होकर नमाज पढ़ना है। और इसी तरह से नमाज मैयत को एक बार ही पढ़ना है, लेकिन मकरूह है कि एक बार से ज्यादा पढ़ा जाए। कभी कभी होता है, मसलन बेटा भी बाहर था, यूके में था, वो पहुंचा, नमाज मैयत हो चुकी थी, उसने कहा मैं नमाज मैयत पढ़ना चाहता हूँ, मकरूह है। लेकिन अगर इंतकाल करने वाला कोई आलिम था या इंतकाल करने वाला बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार था, लोगों में उसकी शोहरत थी, तो उसकी नमाज का दोबारा पढ़ना मकरूह नहीं है। उलमा की नमाज या किसी बड़े मुत्तकी की नमाज का दोबारा पढ़ना इसमें आयत नहीं। आपने देखा होगा हमारे मसलन शहीद कासिम सुलेमानी, उनकी नमाज मैयत ईरान जब लाई गई डेड बॉडी वहाँ भी पढ़ी गई, उनकी इराक में भी पढ़ी गई। तो बड़ी शख्सियतें जो मुत्तकी और परहेजगार हों, यानी मकाम मनसब के हिसाब से नहीं, तकवा और परहेजगारी के हिसाब से, या आलिम दीन, बहुत से उलमा को आपने देखा होगा मराजे कराम की जिनकी नमाज मैयत कई बार होती है। तो नमाज मैयत नॉर्मल अफराद के लिए मकरूह है दोबारा पढ़ना, लेकिन मुत्तकी परहेजगार और आलिम के लिए दोबारा पढ़ना मकरूह नहीं है। नेक्स्ट, कुछ चीजें 12 आदत मुस्तहब है नमाज मैयत के दौरान के जिनको इख्तियार करना मुस्तहब है। सबसे पहली चीज वजू करना या उस यानी तहारत इख्तियार करते हुए नमाज मैयत का पढ़ना यह मुस्तहब है। इसी तरह से जो मैंने बताया था कि पेश नमाज को कहाँ पर खड़े होना है, अगर लेडी है तो सीने के पास, अगर कोई मर्द है तो उसके मिडिल वाले पार्ट के पास खड़े होना है। इसी तरह से नंगे पैर यानी जूता उतार कर नमाज मैयत पढ़ना है, शूज चप्पल जो भी है। इसी तरह से हर तकबीर में अपने हाथों को बुलंद करना मुस्तहब है। और इसी तरह से वो शख्स जो नमाज मैयत को पढ़ रहा है वो इस तरह से नमाज मैयत पढ़ाते वक्त मैयत के करीब खड़े हो कि अगर हवा चले और उसका कपड़ा उड़े तो ये कपड़ा उसकी डेड बॉडी या उसके ताबूत या उसके जनाजे तक पहुंचे, इतने करीब खड़ा हो, ज्यादा फासले में ना खड़ा हो। वो तो कोरोना का पीरियड था कि जिसमें मजबूर था नमाज पढ़ने वाला दूर खड़ा होता था, लेकिन आम हालतों में पेश नमाज को या नमाज पढ़ने वाले को जमात से अगर पढ़ रहा है तो पीछे खड़े होना है, लेकिन अगर जमात से नहीं पढ़ रहा है तो फिर इतने करीब खड़े होना है कि अगर हवा चले तो उसका कपड़ा उस डेड बॉडी या उस ताबूत तक पहुंचे। और इसी तरह से नमाज मैयत के लिए 3 तकबीरें कहना, नमाज मैयत के शुरू करने से पहले 3 दफा अस्सलाह 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 कहना। और नमाज मैयत को अगर पढ़ाया जा रहा है बाजमात तो ऐसे मौके पर दुआओं को बुलंद आवाज से पढ़ना। और पीछे पढ़ने वालों के लिए भी नमाज मैयत के एक वर्ड तो पढ़ना है, लेकिन वो आहिस्ता पढ़ेंगे। पेश नमाज बुलंद आवाज से पढ़ेगा, पीछे वाले अफराद आहिस्ता से पढ़ेंगे। इसी तरह से नमाज मैयत के लिए ये मुस्तहब है कि वो पेश नमाज के पीछे पीछे पढ़ें। अलबत्ता अपनी नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन उनको नमाज में पेश नमाज के पीछे पीछे पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना, नमाज मैयत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना ये मुस्तहब है। नमाज मैयत से पहले 3 दफ़ा सला कहना ये भी मुस्ताहब है। नमाज मैयत के लिए मुस्ताहब है कि ऐसी जगह पे पढ़ी जाए कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मोमिन जमा हो सकती है। और अगर कोई खातून नजासत की हालत में है, नमाज मैयत पढ़ना चाहती है तो उसके लिए मुस्ताहब है कि वो बिल्कुल अलग खड़े होंगे, यानी जहाँ पर लोग या लेडीज़ नमाज पढ़ रही उनके साथ नहीं, पीछे अलग खड़े होकर नमाज मैयत को पढ़े। और उसके बाद अब नमाज मैयत शुरू होने जा रही है, अस्सलाह 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 ये 3 आवाज़ दी जाएगी और उसके बाद नमाज मैयत पढ़ाई जाएगी। नमाज मैयत पढ़ाने का तरीका क्या है? नमाज मैयत में तरीक़ाकार ये होगा कि इस तरह से डेड बॉडी को रखा जाए। अब गौर कीजिएगा, अगर अभी तक हम ये सपोज कर रहे थे कि किबला इस तरफ है, अब किबले को एक्चुअल पोजिशन में लेके आ जाएगी, किबला इस तरफ है अगर, तो उस सूरत में ये जो डेड बॉडी रखी है उल्टी रखी है, मुतवज्जे, यानी सर को उस तरफ रखना है और पैर को इस तरफ लेके आना है। यूं सपोज करें कि इस वक्त डेड बॉडी अगर किबला इस तरफ हो तो डेड बॉडी के लिए ऐसे रखना है कि सर राइट साइड में हो पेश नमाज के और लेग्स उसके लेफ्ट साइड में हो पेश नमाज के। गोया अगर हम ये सपोज कर रहे हो कि किबला इस तरफ है तो ये डेड बॉडी सही रखी हुई है, तो अब इस डेड बॉडी में अगर लेडी है तो यहाँ पे खड़े होना है और अगर ये मर्द है तो फिर उस सूरत में बीच में खड़े होकर नमाज मैयत को शुरू करना है। नमाज मैयत में 5 तकबीरें कहनी है। ये 5 तकबीरें वो हैं कि जिनको आपको भी कहना है। पहली तकबीर कहने से पहले आपको नीयत करनी है और इस नीयत के करते वक्त आपको ये बात कहनी है कि मैं नमाज मैयत पढ़ता हूँ, इसकी ये जो तुम्हारे सामने मैयत रखी है वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, इस नीयत के कर लेने के बाद पहली तकबीर कहनी है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 कलर्स में लिखी है ये दुआ, अरबिक में भी और इंग्लिश में भी। ये 2 कलर्स में क्यों है? ये जो रेड कलर में है ये वाजिब है, जो ब्लू कलर में है डार्क ब्लू ये मुस्ताहब है। पहली तकबीर कहने के बाद आपको कहना है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। यहाँ तक वाजिब है। अब इसमें ये जुमला कहना मुस्ताहब है कि अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदई अस्साअ, ये कहना मुस्ताहब है। लेकिन यहाँ तक भी अगर पढ़ दिया तो काफ़ी है, इससे आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब है। ये नीचे उसको तर्जुमा भी लिख दिया गया। नेक्स्ट, अब फिर तकबीर कहिए और तकबीर कहने के बाद आपको ये जुमला कहना है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, ये हिस्सा इतना वाजिब है। अब उसके मुबारक अला मुहम्मद वाली हो, यहाँ तक कहा। उसके बाद वरहम मुहम्मद व आला मुहम्मद का अफदल मा सल्लैत मुबारक तरहम अला इब्राहीम व आली इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व शुहदाइ व सिद्दीकीन व जमीअ इबादिल्लाहि सालिहीन। ये जुमला पढ़ा कर पढ़ना मुस्ताहब है। ये हो गई दूसरी तकबीर के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ। उसके बाद तीसरी तकबीर आप कहिए और अब उस मौके पर आपको जो दुआ करनी है तमाम मुमिनीन के लिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये वाजिब है। इसके बाद अगर पढ़ा देंगे आप तो मुस्ताहब है। अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार माफ कर दे मोमिनीन और मोमिनात को, मुस्लिमीन और मुस्लिमात को, जो जिंदा हैं उनमें से, जो मर गए दुनिया से चले गए उनको भी, जो उनके बाद उनसे वाबस्ता होने वाले उन सभी को नेकियां अता कर दे। परवरदिगार तू दुआओं का कबूल करने वाला है और हर चीज़ पर परवरदिगार तू कुदरत रखता है। ये जुमला पढ़ने के बाद फिर तकबीर कहिए, ये हो गई आपकी चौथी तकबीर। इस चौथी तकबीर के बाद अब आपको दुआ करनी है उस मैयत के लिए जो आपके सामने रखी है, अल्लाहुम्मा फिर लिहादल मैयत या अल्लाहुम्मा फिर लिहादिल मैयता। इस जुमले को पढ़ना वाजिब है। अलबत्ता अगर वो जुमला आप न पढ़े तो ये जुमला पढ़ सकते हैं, पूरा जुमला मुस्ताहब है। अल्लाह अल्लाह के ऊपर का वाजिब है, ये जुमला पढ़ना मुस्ताहब है, वाजिब है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो ये जुमला पढ़ेंगे जो मुस्ताहब हो जाएगा। तो इन दोनों में ऑप्शन है, पहले वाले में ऑप्शन नहीं था, ये सही में रहे। पहले क्या था कि उसी को कंप्लीट करना था। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, या पहला जुमला पढ़िए जो वाजिब है, या अगर वो नहीं पढ़ना है तो नीचे का बड़ा जुमला जो मुस्तहब पढ़िए कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नज़रा बिक वअंता खैरु मंसूलिन बिह अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा वअंता अअलमु बिही मिन्ना अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही व इन कान मुसीअन फ़तजावज़ अन्हु वग़फ़िर लहु अल्लाहुम्मा इजअलहु इन्दका फ़ी अअला इल्लिय्यीन वख़्लुफ़ अला अहलिही फ़िल गाबिरीन वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये दुआ का पढ़ना आपके लिए मुस्तहब है, लेकिन कब? जब कोई आपके सामने मैयत मर्द की हो। लेकिन अगर मैयत किसी लेडी की है तो जुमले बदल जाएंगे। वो जुमले कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही अमतुक वबनतु अमतिक पूरी दुआ को आप पढ़ेंगे कि जो दुआ में ज़मीनें चेंज हो जाएंगी। इस दुआ को आप पढ़ेंगे और इस दुआ के बाद फिर आप पांचवी तकबीर कहेंगे। ये पांचवी तकबीर लास्ट है, यानी आपकी नमाज मैयत कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई। अलबत्ता इसके बाद हाथ उठाकर दुआ करना मैयत के मग़फ़िरत के लिए, बकिया मुअमिनीन के लिए यहाँ पर मुस्तहब है। ये पांचवीं तकबीर कह देने के बाद आपकी नमाज मैयत कंप्लीट हो जाती है। आइए अगले की तरफ लेकर चलें। नमाज मैयत पढ़ लेने के बाद अब वो आखिरी सफ़र कि जिस सफ़र की तरफ मैयत को लेके जाना है, वो सफ़र इंसान का कब्र की तरफ ले जाने वाला है। इस मर्द मुअमिन को आप कब्र की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसमें कब्र के लिए ज़रूरी है कि इतनी गहरी कूदी जाए कि जिस कब्र की हाइट नीचे से लेकर ऊपर तक एक इंसान के बराबर हो, और वो हिस्सा के जो अंदर का हिस्सा है वो ज़रा सा इतना हो कि एक इंसान अंदर बैठ सके, इतना होना चाहिए। इस तरह से दफन किया जाए कि उसकी स्मेल, उसकी बू बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और किसी जानवर से खतरा ना हो ऐसी जगह दफन करना चाहिए। और अगर खतरा है कि जानवर नुकसान पहुंचा सकता है, कोई जानवर कब्र में दाखिल हो सकता है, तो ऐसे मौके पे कब्र को पुख्ता करना या ईंट वगैरह के जरिए से उसको मुहकम करना ज़रूरी है। और इसी तरह से किसी भी मुसलमान को ऐसी जगह पे दफन करना कि जो गंदी हो, नजीस हो, बुरी हो, पस्त हो, बेकार जगह हो, ऐसी जगह पे भी दफन करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह से किसी भी मैयत को दफन करने के बाद उसकी कब्र खोलने की इजाज़त नहीं है। इतने दिन गुजर जाएं कि कब्र के अंदर उसकी मैयत पूरी तरह से मिट्टी हो चुकी हो, खत्म हो चुकी हो, तब दोबारा आप उसकी कब्र को खोल सकती हैं। लेकिन अगर कब्र में कुछ बाकी है तो अभी आपको खोलने का इख्तियार नहीं है। मसलन डेड बॉडी का सर बाकी है, पैर बाकी है, हड्डियाँ बाकी हैं बड़ी बड़ी, तो उस सूरत में खोलने का इख्तियार नहीं है। ज़मीन के ऊपर जिस मौके के ऊपर ज़मीन लेके जाया जा रहा है इस डेड बॉडी को, इसको ज़मीन पे रखना मुस्तहब है, जिसको मंजिल देना कहते हैं। ये मंजिल देना 3 दफ़ा और 2 दफ़ा है। आइए नेक्स्ट पेज पे आ जाए, उसकी क्लियरिटी वहाँ पे आ जाएगी। ये जो मैयत लेके जा रहे हैं कब्र की तरफ, अगर मर्द है तो उसको 3 दफ़ा मंजिल देना है, अगर लेडी है तो उसको 2 दफ़ा मंजिल देना है। ये जो 3 दफ़ा मंजिल देना है उसमें ये ख्याल रहे, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मेरे से ये 3 दफ़ा मैयत को लेके आए मर्द की है, वो लेके आएंगे यहाँ नीचे की तरफ रखेंगे और फिर सर के जरिए से डेड बॉडी को कब्र में इंटर करेंगे। लेकिन अगर लेडी की है तो 2 दफ़ा जब यहाँ पे लाके रखेंगे तो यहाँ के ऊपर रखेंगे और फिर बीच के हिस्से से उसको कब्र में उतारा जाएगा। ये मुतवज्जे रहेंगे कि मर्द अगर है तो सर की तरफ से कब्र में उतारा जाएगा, लेडी है तो बीच के हिस्से से उसको कब्र में उतारा जाएगा। और बाकी चीज़ें जो मैयत के लिए हैं कि वो चीज़ें जो मैयत से जुदा हो गई, बाई चांस ऐसा होता है कि गुस्ल देते वक्त कोई चीज़ जुदा हो गई या इंतकाल के बाद कुछ जुदा हो गया है, अगर अभी तक कब्र बंद नहीं हुई है तो ये बॉडी से जुदा हो जाने वाली चीज़ें जैसे उसका बाल, जैसे उसका नाखून, जैसे उसकी कोई उंगली, ये चीज़ें जो उसकी बॉडी का हिस्सा थी वो अगर अभी कब्र बंद नहीं हुई है तो कब्र में, उसी कब्र में दफन किया जाएगा। लेकिन अगर कब्र बंद हो गई है तो फिर कहीं और ले जाके उसको दफन किया जाएगा, यानी किसी और जगह के ऊपर ज़मीन में दफन करना है। इसी तरह से मुस्तहब है कि इंसान के अपने बदन के हिस्से जो जिंदगी में उससे जुदा हो गए उन्हें भी दफन कर देना यह मुस्तहब करार दिया गया है। आइए नेक्स्ट डेड बॉडी के जिसको अब दफन करना है वो उसी पोजीशन में दफन करना है कि जिस पोजीशन में ये डेड बॉडी अभी नमाज मय्यत के लिए रखी गई थी। तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ा ये है कि डेड बॉडी को आप तसव्वुर करें कि ये कब्र है और किबला इस तरफ है, तो डेड बॉडी को इस तरह से तिरछा करके राइट साइड में लिटाएंगे, पीछे यहाँ के ऊपर ईंटा या कोई चीज रोक लगाएंगे, सर के नीचे भी रोक देंगे कि ये फेस उसका किबले की तरफ होना चाहिए। बात क्लियर है? किबला के तसव्वुर करें, आप सब किबला हैं, आप सब किबला हैं। ये डेड बॉडी को इस तरह से यहाँ पर रोक के कब्र में लिटाया जाएगा। ये जो दीवार है उससे भी हिस्से टेक लगा दीजिए, नीचे भी यहाँ पर कोई ऐसी रोक लगा दीजिए कि जिस रोक की बिना पे डेड बॉडी यहाँ पर रुकी रहे, फेस उसका किबले की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर तवज्जो दीजिएगा, हमने कंप्लीटली इसको करवट नहीं दिलाई है, हाफ करवट समझ लीजिए, तकरीबन पूरी तरह से करवट नहीं दिलाइएगा, वरना ये हिस्सा दबेगा और फिर खराब होने का खतरा है। लिहाजा इसका आधा इस तरफ रहेगा और अच्छा खासा हिस्सा उस तरफ रहेगा। इस तरह से इसको डेड बॉडी को करवट के साथ लिटाना है और किबला रुख करार देना है। ये तरीक़ाकार है कि जो वाजिब है, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, ये सूरत हाल वाजिब है। अब यहाँ पर एक मुस्तहब काम है, वो काम है तलकीन का पढ़ना। तलकीन यानी उस मैयत को ये बात बताना कि तुम जिस अकीदे को रखते थे वो क्या अकीदा था। ये तलकीन में इंसान को उस मैयत को सारी बातें सिखानी है कि जो जिंदगी के अकीदे में उसने करार दिया था। यहाँ पर पहला जुमला है इस्मा। अच्छा, तरीक़ाकार क्या है? कब्र में किसी भी मुमिन को उतरना है, नीचे की तरफ से, पैर की तरफ से, यानी कब्र में जहाँ पे मैयत को रखा जा रहा है पैर की तरफ से नीचे उतरना। ये वही इंसान होगा कि जो कब्र में मैयत को उतार रहा था, वो कब्र में रुका रहेगा। और उसको मैयत के पास आने के बाद अपना राइट हैंड, आप अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैयत के है, ये उसका राइट हैंड है, वो उसके राइट शोल्डर के ऊपर रखेगा, वो अपना लेफ्ट हैंड उसके लेफ्ट शोल्डर पे रखेगा और इसके बाद इसमें हिलाएगा। लेकिन दोनों के हिलाने का तरीका अलग है। राइट साइड में थोड़ा तेज और लेफ्ट साइड में हल्का। उसका रीजन ये है कि नीचे का हिस्सा दबा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा उसको जोर लगाना पड़ेगा। राइट साइड में थोड़ा जोर लगा के और लेफ्ट साइड में हल्के से उसको जोर देते हुए अब ये जुमला कहेगा। क्या कहेगा? इस्मा, सुन ले, इफहम, समझ ले। ये मर्द के लिए, लेकिन अगर लेडी है तो इस्माई ऐ खातून, तुम सुन लो, व इफहमी ऐ खातून, तुम समझ लो। ये जुमला उसको कहना है और उसके बाद ये पूरी तलकीन पढ़ना है। अब चूंकि वक्त ज्यादा हो गया लिहाजा मैं ये पूरी तलकीन नहीं पढ़ूंगा कि पूरी तलकीन के जिसमें आइम्मा अतहार के नाम बसती है। आइम्मा अतहार के नाम को उसे अपनी जबान पे लेना है और फिर इसके कंप्लीट हो जाने के बाद अब उसी पोजीशन में जिस पोजीशन समझाया था कि किबला रुख उसका फेस होना चाहिए, उसको करार देते हुए अब हमें कब्र को बंद करना है। ये फिर वाजिब शुरू हो गया। ये तलकीन मुस्तहब की, अब फिर वाजिब शुरू हुआ। वाजिब का तरीक़ाकार क्या है? वाजिब का तरीका यह है कि इंसान को जिस मौके पर दफन किया जा रहा है, ये तलकीन हम नहीं पढ़ रहे, इसमें कई नहीं है, उसके बाद भी है, उसके और आगे। हाँ, ये पूरी तलकीन चलती जाएगी। आप फहीमता और ये सारे जुमले। अब यहाँ के ऊपर वो कि जो कब्र में उतरा है उसके लिए मुस्तहब है कि हुस्न या हुस्न के साथ होना चाहिए, सर नंगा होना चाहिए, पैर में उसके शूज नहीं होने चाहिए, और जिस मौके के ऊपर वो कब्र में उतरे वो पैर की तरफ से उतरेगा, ये उसके लिए मुस्तहब है। और इसी तरह से कोई खानदान का रिलेटिव है तो उसके लिए बेहतर है कि वो कब्र में उतरे, लेकिन महरमियत का ख्याल रखते हुए। अगर कोई खातून है तो उसका महरम कब्र में उतरेगा, और अगर महरम नहीं है तो सूरत में कोई लेडी अंदर कब्र में उतरेगी। या फिर ये कि अगर वाकई न कोई लेडी है न कोई महरम है, तब मजबूरी में हो सकता है कि कोई दूसरा उतारा जाए। और उसके बाद ये बार बार कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसी तरह से खातून के लिए उसका महरम होना, कि जो मैंने वाज़े कर दिया कि उसका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये जिस मौके के ऊपर कब्र में उतार दिया गया, अब कब्र में उतारने के बाद इंसान बाहर निकल आया, बाहर निकलने के बाद इस कब्र को बंद करना है। बंद करने का तरीकाकार यह है कि इस तरह से उसको मुहकम किया जाए कि अंदर किसी जानवर के जाने का कोई इम्कान न पाया जाता हो। इसीलिए किसी स्टोन के जरिए या किसी लकड़ी के जरिए या किसी मोहकम चीज के जरिए से उसको बंद करना है। हमारे इंडिया में लकड़ी यूज होती है, बहुत सारी जगहों के ऊपर पत्थर स्टोन यूज किया जाता है, स्टोन के पार्ट्स होते हैं जिनके जरिए से बंद किया जाता है ताकि अंदर कोई जानवर न जा सके। उसके ऊपर चढ़ाई रखी जाएगी, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी। मिट्टी डालने का तरीका यह है कि ये जो हाथ का उल्टा हिस्सा है, उस उल्टे हिस्से के जरिए से उस कब्र में मैयत के ऊपर वाली कब्र पे आपको मिट्टी डालना है। कब्र को चार कोने वाली कब्र बनाना मुस्तहब है। और इसी तरह से जमीन से 4 अंगुल उसको ऊंचा करना भी मुस्तहब है। और निशानी के तौर पे वहां पर कुछ रखना, पत्थर वगैरह, ताकि पता चले कि ये कब्र हमारे मरहूम की है, ये मुस्तहब है। और इसी तरह से पानी डालना उसके ऊपर मुस्तहब है। और वो तमाम अफराद जो वहाँ पर मौजूद हैं वो सब अपनी उंगलियों को कब्र पे रखें इस तरह से कि उनकी उंगलियाँ कब्र में धंस जा रही हों। और फिर उस मौके के ऊपर सूरह कद्र को 3 दफ़ा, सूरह कद्र को 7 दफ़ा पढ़ना मुस्तहब करार दिया गया है। और परवरदिगार आलम से इस मरहूम के लिए दुआ करना, अल्लाहुम्मा जाफिल अर्द अन जंबैहि वासइद इलैका रूहहू वलक्किही मिनका रिदवाना वास्किन कब्रहू मिन रहमतिका मा तुगनीही बिही अन रहमतिक मिन सिवाक। ये दुआ पढ़ना इंसान के लिए उस मौके पर मुस्तहब करार दिया गया है। आइए नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो तलकीन हमने मरहूम के लिए पढ़ी थी, ये तलकीन का दोबारा कब्र पे पढ़ना, इसका जिक्र रवायतों में वारिद हुआ है। लिहाजा मैयत की कब्र पर बैठकर भी इसी तलकीन को दोबारा पढ़ा जाए, ये भी रवायतों में वारिद हुआ है। वही तलकीन के ऊपर आई, उसको अब दोबारा यहाँ पे बैठ के पढ़ना है। यहाँ पर एक काम और बाकी लास्ट रह गया, वो काम ये रह गया कि इस मरने वाले के लिए, इंतकाल कर जाने वाले के लिए सभी सदका दें, ये मुस्तहब है। और इसी तरह से उस मैयत के इंतकाल के बारे में जिसको जिसको खबर मिले उसको उस मैयत के बाद आने वाली पहली नमाज मगरिब और इशा के बाद नमाज हदिया मैयत को पढ़ना मुस्तहब करार दिया गया है। इसके 2 तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका यह है कि पहली रकात में इंसान सूरह अलहम्द के बाद आयतुल कुर्सी को, और दूसरी रकात में अलहम्द के बाद 7-10 दफ़ा सूरह इन्ना अल्लाह को पढ़े। और नमाज पढ़ लेने के बाद ये जुमला कहे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व तवाबहा इला कब्र फुला, फुला पे उस मरहूम का नाम बयान करे। ये नमाज का तरीका बड़ा राइज है और बड़ी इसकी ताकीद वाली हुई और इसको भी इंसान को अख्तियार करना चाहिए। ये हो गई वो जिम्मेदारियां कि जो एक नमाज एक मैयत से मुताल्लिक हमारी है। लेकिन एक जिम्मेदारी है कि जो हमें हमेशा इख्तियार करनी चाहिए, वो जिम्मेदारी ये है कि अपने मरहूमीन को हमेशा याद रखना चाहिए। और अपने मरहूमीन को याद रखने का बेहतरीन तरीका है उनके लिए ईसाल सवाब करते हुए सूरह फातिहा पढ़ी जाए। आप सभी अपने मरहूमीन के लिए भी, जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया उनके खानदान के तमाम मरहूमीन, मस्जिद के तमाम जिम्मेदारों के खानदान के तमाम मरहूमीन, तमाम मुमिनीन और मुमिनात की अरवाह के लिए आप हजरात सलावात भेजने के बाद सूरह फातिहा पढ़ दीजिए।